माधवन की रॉकेट्री बॉक्स ऑफिस पर मचा पाएगी तहलका। आखिर आर माधवन ने 4 साल से क्यों नहीं की कमाई, क्या डरे हुए हैं आर माधवन? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जियाल। दोस्तों, एक्टर आर माधवन इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनकी फिल्म आने वाली है रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट, और इसे 19 मई को 75वें कान फेस्टिवल में भी प्रीमियर किया गया। इस फिल्म को एक्टर ने लिखा है, साथ में डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी किया है। स्क्रीनिंग होने के बाद मौजूद लोगों ने वहां 10 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन दिया। फिल्म की जमकर तारीफें की गई। ये मूवी एक्टर के करियर का सबसे खास प्रोजेक्ट है। हालांकि अब ये लोगों को कितनी पसंद आएगी, इस बात का डर उन्हें बहुत ज्यादा सता रहा है। एक इंटरव्यू में एक्टर ने बहुत ज्यादा खुलासा किया और कहा कि 4 साल से उन्होंने एक भी पैसा नहीं कमाया। इसके पीछे उन्होंने वजह भी बताई। माधवन का कहना है कि उन्हें अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर काफी डर लग रहा है, उसकी कमाई को लेकर चिंता सता रही है। उन्होंने बताया कि 2 साल कोरोना में और उसके पहले 2 साल वो फिल्म को बनाने में बिजी रहे। इन 4 सालों में उन्होंने एक भी रुपया नहीं कमाया फिल्मों से। साथ ही माधवन ने कहा कि वो एक चीज़ है जिसकी वजह से वो जिंदा है, वो है OTT। इसके अलावा कोई फिल्म नहीं की, और उनकी पिछली फिल्म थी विक्रम वेधा। इसके अलावा डी कबल्ड वेब सीरीज में वो नजर आए थे। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि ये फिल्म चल पाएगी या नहीं। ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जो भारतीय वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर नंबी नारायणम के जीवन पर आधारित है। इन्हें असल जिंदगी में जासूसी के झूठे केस में फंसा दिया गया था। इस फिल्म में शाहरुख खान केमियो करते हुए नजर आएंगे। हिंदी, तमिल, अंग्रेजी के अलावा इसे तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में भी रिलीज किया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा खास फिल्म है आर माधवन के लिए। अब देखना होगा बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई कर सकती है ये फिल्म। आपको इस बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। क्यों नहीं आई माधवन की पिछले 4 साल से एक भी फिल्म? माधवन को क्या डर है रॉकेट्री को लेकर? कहां हुआ था रॉकेट्री का प्रीमियर? सो हेलो टू माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। दिस इज रिया, और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूं एक ऐसी दिलचस्प खबर जो कि जुड़ी है बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट के साथ। तो दोस्तों, अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। एक्टर आर माधवन इन दिनों खूब सुर्खियों को बटोर रहे हैं, क्योंकि उनकी फिल्म रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट का 19 मई को 75वें कान फिल्म में फेस्टिवल में प्रीमियर हुआ। इस फिल्म को एक्टर ने ही लिखा, डायरेक्टर किया और प्रोड्यूस भी उन्होंने ही किया। आर माधवन को स्क्रीनिंग होने के बाद मौजूद लोगों ने 10 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया। फिल्म की जमकर तारीफ भी की। ये मूवी एक्टर के करियर का सबसे खास प्रोजेक्ट है। हालांकि अब ये लोगों को कितनी पसंद आएगी, इस बात का डर एक्टर को सताए जा रहा है। एक इंटरव्यू में माधवन ने खुलासा किया था कि उन्होंने पिछले 4 सालों से एक पैसा नहीं कमाया है। इसके पीछे की वजह बताते हुए उन्होंने बताया है कि उन्हें अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर काफी डर लग रहा है, उसकी कमाई को लेकर चिंता सता रही है। उन्होंने बताया कि 2 साल कोरोना में और उसके पहले के 2 साल वो फिल्म को बनाने में वो व्यस्त रहे। इन 4 सालों में मतलब उन्होंने 1 रुपया भी नहीं कमाया। माधवन के मुताबिक, वो चीज़ें जिन्होंने मुझे अब तक संभाले हुए हैं और जिंदा रखा है वो OTT है। इसके अलावा कोई फिल्म नहीं की है, और मेरी पिछली फिल्म विक्रम वेधा भी, इसके अलावा मैंने डी कपल्ड वेब सीरीज में भी काम किया था। इस वजह से वह डर रहे हुए हैं कि ये फिल्म चल पाएगी या नहीं। और इस इंटरव्यू में माधवन ने अपनी पत्नी सरिता को थैंक यू कहा है। उनका कहना है कि इस मुश्किल दौर में वो एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनी रही हैं उनके लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि माधवन ने इन 4 सालों में काम ही नहीं किया। पैसा ना कमाने का मतलब था कि उन्होंने काम तो किया, लेकिन उन्हें वो रिजल्ट नहीं मिले जिसकी उम्मीद माधवन ने की थी। यही वजह है कि ये अपनी आने वाली फिल्म रॉकेट्री के लेकर डरे हुए हैं, क्योंकि अगर ये फिल्म भी लोगों को पसंद नहीं आई तो माधवन शायद ही कोई फिल्म बना पाए। फिल्म के बारे में बात करें तो रॉकेट्री में एक्टर आर माधव ने डॉक्टर नंबी नारायण का किरदार निभाया है, और ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जो भारतीय वैज्ञानिक और एयरस्पोर्ट इंजीनियर नंबी नारायण के लाइफ पर बेस्ड है।
इसे असल जिंदगी में जासूसी के झूठे केस में फंसाया गया था और इस फिल्म में शाहरुख खान कैमियो करते हुए दिखाई देंगे। हिंदी, तमिल और अंग्रेजी के अलावा ये तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में भी 1 जुलाई 2022 को रिलीज की जाएगी। आप इनकी इस बायोग्राफिकल फिल्म के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं हमें ये कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बॉलीवुड रैट स्टूडियोज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और नए कंटेंट के साथ। तब तक खुश रहें, सेफ रहें, बने रहिए मेरे साथ। रॉकेट्री के मोशन पोस्टर ने कैसे बढ़ाई फैंस की बेताबी? क्या फिल्म बनते बनते आर माधवन का अकाउंट बैलेंस हुआ खाली? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जाल। दोस्तों, रॉकेट्री द नाम भी इफेक्ट का लोगों को बेसब्री से इंतजार हो रहा है। अब फाइनली इसका मोशन पोस्टर रिलीज हो चुका है। एक्टर आर माधवन ने खुद इसे ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। कैप्शन की बजाय उन्होंने हैशटैग का इस्तेमाल किया और लिखा रॉकेट्री फिल्म मोशन पोस्टर आउट। वहीं दोस्तों, आपको बता दें इस फिल्म का डायरेक्शन आर माधवन कर रहे हैं, साथ ही फिल्म में वैज्ञानिक नंबी नारायणम का किरदार प्ले कर रहे हैं। ये फिल्म इसरो के पूर्व वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर नंबी नारायणम के जीवन पर आधारित है। ये फिल्म 1 जुलाई को रिलीज होने वाली है और भारत की प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने भी इसकी जमकर तारीफें की और ट्वीट किया। वहीं दोस्तों, ऐसा पहली बार होगा जब आर माधवन किसी फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं। साथ ही आर माधवन ने फिल्म से जुड़ी काफ़ी चीज़ें बताई और बताया कि किस तरह से 4 साल से उन्होंने फिल्मों से कोई भी कमाई नहीं की है, उनका बैंक अकाउंट खाली हो चुका था, लेकिन इस फिल्म से उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। इस फिल्म के लिए वो बहुत ज़्यादा डरे हुए भी हैं कि लोगों को फिल्म पसंद आएगी या नहीं। आर माधवन के इस मोशन पोस्टर को लोगों ने जमकर वायरल कर दिया है, बहुत पसंद किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कान फिल्म फेस्टिवल 2022 में वर्ल्ड वाइड इसको प्रीमियर किया गया और साइंस फिक्शन फिल्मों को पसंद करने वाले लोगों ने दुनिया भर में इसकी तारीफें की। इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर 7 महीने तक काम किया आर माधवन ने। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया कि जब नारायणम ने बताया कि उन्होंने नासा फेलोशिप कर ली है तो 1969 में प्रतिष्ठित प्रिंसटन विश्वविद्यालय में भी उन्हें स्वीकार कर लिया गया था, इसीलिए 7 महीनों में दोबारा स्क्रिप्ट पर काम किया गया और माधवन ने पूरी मेहनत इस पर झोंक दी। आपको बता दें फिल्म की शूटिंग कई देशों में की गई है जिसमें भारत, जॉर्जिया, फ्रांस, कनाडा, सर्बिया और रूस जैसे देश शामिल हैं। फिलहाल मोशन पोस्टर लोगों को खूब पसंद आ रहा है और इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। इस फिल्म में आपको शाहरुख खान भी दिखेंगे एज अ कैमियो रोल करते हुए। तो दोस्तों, कितना इंतजार है इस फिल्म का नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को। दोस्तों, लार्जर देन लाइफ के साथ इंटरनेट पर धूम मचाने के बाद आर माधवन की मोस्ट अवेटेड फिल्म रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट फाइनली 1 अप्रैल 2022 को दुनिया भर के थिएटरिकल के लिए तैयार हो चुकी है। फिल्म को कई लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा और इसीलिए फिल्म को एक ही साथ कई लैंग्वेज में शूट भी किया गया था। फिल्म रॉकेट्री में आर माधवन नंबी नारायण के कैरेक्टर में दिखेंगे। ये माधवन के डायरेक्शन में पहली फिल्म है। सिर्फ यही नहीं बल्कि देखा जाए तो इस फिल्म को लिखा भी है आर माधवन ने। दोस्तों, फिल्म की कहानी इंडियन साइंटिस्ट नंबी नारायण के जीवन पर बेस्ड है कि उन्होंने इंडिया के लिए क्या क्या किया था और उसके बजाय उन्हें क्या मिला था। दोस्तों, फिल्म का ट्रेलर बहुत पहले ही रिलीज हो चुका था। आर माधवन की फिल्म रॉकेट्री का ट्रेलर लोगों को बहुत पसंद आया था। ट्रेलर रिलीज के बाद से ही और शुरू से ही फिल्म काफ़ी विवादों में रही। फाइनली अब जाकर कहीं फिल्म की रिलीज डेट सामने आई है। रिपोर्ट्स की माने तो आर माधवन के साथ इस फिल्म में शाहरुख खान का एक कैमियो होगा। लंबे वक्त के बाद शाहरुख खान किसी फिल्म में नज़र आने वाले हैं। देखा जाए तो पठान से पहले शाहरुख खान रॉकेट्री में नज़र आएंगे। शाहरुख खान के फैंस के लिए ये एक बहुत बड़ी अपडेट और गुड न्यूज़ है कि वो अपने फेवरेट हीरो को फाइनली सिनेमा घरों में देख पाएंगे। फिल्म में शाहरुख खान एक न्यूज़ एंकर बने हैं, न्यूज़ रिपोर्टर बने हैं, जो कि आर माधवन का इंटरव्यू लेते दिखाई देंगे।
दोस्तों ट्रेलर देखकर तो लगा कि फिल्म की कहानी काफी मजेदार है, और अब तो फाइनली फिल्म की रिलीज डेट आ गई है तो फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ जाएगी फिल्म को देखने के लिए। आप कितने एक्साइटमेंट है रॉकेट्री के लिए और आर माधवन की पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू के लिए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच, देखते रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज। बॉलीवुड एक्टर आर माधवन द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट का ट्रेलर आज रिलीज हो चुका है। फिल्म में बतौर एक्टर माधवन ने गजब की एक्टिंग की है, साथ ही फैंस को इस फिल्म में किंग खान शाहरुख खान भी देखने को मिले हैं, जिनकी एक झलक ट्रेलर में देखने को मिली है। दोस्तों आपको बता दें कि ये फिल्म नंबी नारायण की लाइफ पर बेस्ड है, जिसमें आर माधवन ने ही नंबी का रोल प्ले किया है। एक्टर ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी फिल्म के ट्रेलर के आने की खबर फैंस को दी। दोस्तों ट्रेलर की शुरुआत होती है शाहरुख खान के साथ, जो कि एक जर्नलिस्ट का कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। इस फिल्म को बनाने के लिए आर माधवन को 3 साल का समय लगा। दरअसल इस फिल्म के कई सीन्स को कई देशों में शूट किया गया, जैसे कि स्कॉटलैंड, फ्रांस और रूस। इस फिल्म को साल की सबसे बड़ी शाइनिंग इंडिया फिल्म मानी जा रही है। दर्शकों को इस फिल्म में माधवन और शाहरुख खान के अलावा सिमरन और रविंद्र राघवेंद्र लीड रोल में दिखाई दिए। डायरेक्टर के तौर पर आर माधवन की ये पहली फिल्म होगी जिसे उन्होंने कोरोना संक्रमित होने के बाद भी क्वारंटाइन में रहते हुए फिल्म के ट्रेलर रिलीज की पूरी तैयारी की। बता दें कि इस फिल्म को 6 लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, तमिल, कन्नड़ और मलयालम। वहीं एक्टर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म अमेरिकी पंडित को लेकर बिजी चल रहे हैं। दोस्तों बात करें फिल्म की कहानी की और ट्रेलर की। दोस्तों फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट का ट्रेलर किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म के ट्रेलर की तरह शुरू होता है। अंतरिक्ष वैज्ञानिक नंबी नारायण की कहानी किसी जेम्स बॉन्ड की फिल्म से कम नहीं है। जब अमेरिका ने पूरी दुनिया की निगरानी के लिए अपने उपग्रह तैनात कर रखे थे, तो नंबी नारायण अपने रॉकेट इंजन के पुर्जे रूस से पाकिस्तान के जरिए भारत ले आए थे। शीत युद्ध काल में भारत का कोई वैज्ञानिक ऐसा करने का दुस्साहस ही कर सकता था। फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट का ट्रेलर बताया गया है कि नंबी नारायण बनना दुस्साहस ही है। एक सामान्य सोच रखने वाला इंसान कुछ भी बन सकता है, लेकिन नंबी नारायण नहीं बन सकता। ये पागलों जैसा काम है, नासा की नौकरी छोड़ इसरो के जरिए देश की सेवा करना और अपना खुद का घर इस चक्कर में बर्बाद कर लेना। जिस वैज्ञानिक ने देश को बुलंदियों पर पहुंचाने का सपना देखा, उसके नितंब इसी देश की पुलिस हवालात में लाल कर देती है। यही इस फिल्म की असली कहानी है। नंबी नारायण का पुलिस हिरासत में छूटने के बाद अपने सम्मान के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना और हर अदालत में खुद को बेताग साबित करने का करिश्मा है फिल्म रॉकेट द नंबी इफेक्ट। मोदी सरकार ने इन वैज्ञानिकों को 2019 में पद्म भूषण दिया है, लेकिन उनकी हिम्मत, मेहनत और हौसले का असल इनाम है फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। दोस्तों आपको बता दें कि नंबी नारायण खुद इस फिल्म से दिन प्रतिदिन जुड़े रहे। उनकी कहानियां इतनी है कि इसे एक फिल्म में समेटने का करिश्मा भी सिर्फ आर माधवन ही कर सकते थे। ट्रेलर कमाल का है, माधवन की मेकिंग बेमिसाल है और उनके इस जज्बे को हमारी तरफ से सलाम है। फिल्म का बेसब्री से इंतजार रहेगा हमें। हालांकि कब फिल्म रिलीज हो रही है अभी इसे भी सस्पेंस रखा गया है। वेल दोस्तों देखा जाए तो ट्रेलर 2 लैंग्वेज में रिलीज हुआ है, अभी इंग्लिश और तमिल। दोनों को पब्लिक से अच्छा खासा प्यार मिल रहा है। आप लोगों को कैसा लगा ट्रेलर, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। क्यों नहीं आई माधवन की पिछले 4 साल से एक भी फिल्म? माधवन को क्या डर है रॉकेटरी को लेकर? कहां हुआ था रॉकेटरी का प्रीमियर? सो हेलो टू माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। दिस इज रिया और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूं एक ऐसी दिलचस्प खबर जो कि जुड़ी है बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के साथ।
तो दोस्तों अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। एक्टर आर माधवन इन दिनों खूब सुर्खियों को बटोर रहे हैं क्योंकि उनकी फिल्म रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट का 19 मई को 75वें कान फिल्म में फेस्टिवल में प्रीमियर हुआ। इस फिल्म को एक्टर ने ही लिखा, डायरेक्टर किया और प्रोड्यूस भी उन्होंने ही किया। आर माधवन को स्क्रीनिंग होने के बाद मौजूद लोगों ने 10 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया। फिल्म की जमकर तारीफ भी की। ये मूवी एक्टर के करियर का सबसे खास प्रोजेक्ट है। हालांकि अब ये लोगों को कितनी पसंद आएगी इस बात का डर एक्टर को सताए जा रहा है। एक इंटरव्यू में माधवन ने खुलासा किया था कि उन्होंने पिछले 4 सालों से एक पैसा नहीं कमाया है। इसके पीछे की वजह बताते हुए उन्होंने बताया है कि उन्हें अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर काफी डर लग रहा है, उसकी कमाई को लेकर चिंता सता रही है। उन्होंने बताया कि 2 साल कोरोना में और उसके पहले के 2 साल वो फिल्म को बनाने में वो व्यस्त रहे। इन 4 सालों में मतलब उन्होंने 1 रुपया भी नहीं कमाया। माधवन के मुताबिक वो चीज़ें जिन्होंने मुझे अब तक संभाले हुए हैं और जिंदा रखा है वो OTT है। इसके अलावा कोई फिल्म नहीं की है और मेरी पिछली फिल्म विक्रम वेदा भी, इसके अलावा मैंने डीकपल्ड वेब सीरीज में भी काम किया था। इस वजह से वो डर रहे हुए हैं कि ये फिल्म चल पाएगी या नहीं। और इस इंटरव्यू में माधवन ने अपनी पत्नी सरिता को थैंक यू कहा है। उनका कहना है कि इस मुश्किल दौर में वो एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनी रही हैं उनके लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि माधवन ने इन 4 सालों में काम ही नहीं किया। पैसा ना कमाने का मतलब था कि उन्होंने काम तो किया लेकिन उन्हें वो रिजल्ट नहीं मिले जिसकी उम्मीद माधवन ने की थी। यही वजह है कि ये अपनी आने वाली फिल्म रॉकेट्री के लेकर डरे हुए हैं, क्योंकि अगर ये फिल्म भी लोगों को पसंद नहीं आई तो माधवन शायद ही कोई फिल्म बना पाए। फिल्म के बारे में बात करें तो रॉकेट्री में एक्टर आर माधव ने डॉक्टर नंबी नारायण का किरदार निभाया है और ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जो भारतीय वैज्ञानिक और एयरस्पोर्ट इंजीनियर नंबी नारायण के लाइफ पर बेस्ड है। इसे असल जिंदगी में जासूसी के झूठे केस में फंसाया गया था और इस फिल्म में शाहरुख खान कैमियो करते हुए दिखाई देंगे। हिंदी, तमिल और अंग्रेजी के अलावा ये तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में भी 1 जुलाई 2022 को रिलीज की जाएगी। आप इनकी इस बायोग्राफिकल फिल्म के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं हमें ये कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और नए कंटेंट के साथ। तब तक खुश रहें, सेफ रहें, बने रहिए मेरे साथ। रॉकेट्री के मोशन पोस्टर ने कैसे बढ़ाई फैंस की बेताबी? क्या फिल्म बनते बनते आर माधवन का अकाउंट बैलेंस हुआ खाली? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जाल। दोस्तों, रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट का लोगों को बेसब्री से इंतजार हो रहा है। अब फाइनली इसका मोशन पोस्टर रिलीज हो चुका है। एक्टर आर माधवन ने खुद इसे ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। कैप्शन के बजाय उन्होंने हैशटैग का इस्तेमाल किया और लिखा, रॉकेट्री फिल्म मोशन पोस्टर आउट। वहीं दोस्तों, आपको बता दें इस फिल्म का डायरेक्शन आर माधवन कर रहे हैं, साथ ही फिल्म में वैज्ञानिक नंबी नारायणम का किरदार प्ले कर रहे हैं। ये फिल्म इसरो के पूर्व वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर नंबी नारायणम के जीवन पर आधारित है। ये फिल्म 1 जुलाई को रिलीज होने वाली है और भारत की प्रधानमंत्री PM मोदी ने भी इसकी जमकर तारीफें की और ट्वीट किया। वहीं दोस्तों, ऐसा पहली बार होगा जब आर माधवन किसी फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं। साथ ही आर माधवन ने फिल्म से जुड़ी काफ़ी चीज़ें बताई और बताया कि किस तरह से 4 साल से उन्होंने फिल्मों से कोई भी कमाई नहीं की है, उनका बैंक अकाउंट खाली हो चुका था, लेकिन इस फिल्म से उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। इस फिल्म के लिए वो बहुत ज़्यादा डरे हुए भी हैं कि लोगों को फिल्म पसंद आएगी या नहीं। आर माधवन के इस मोशन पोस्टर को लोगों ने जमकर वायरल कर दिया है, बहुत पसंद किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, कान फिल्म फेस्टिवल 2022 में वर्ल्ड वाइड इसको प्रीमियर किया गया और साइंस फिक्शन फिल्मों को पसंद करने वाले लोगों ने दुनिया भर में इसकी तारीफें की। इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर 7 महीने तक काम किया आर माधवन ने। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया कि जब नारायणम ने बताया कि उन्होंने नासा फेलोशिप कर ली है तो 1969 में प्रतिष्ठित प्रिंसटन विश्वविद्यालय में भी उन्हें स्वीकार कर लिया गया था, इसीलिए 7 महीनों में दोबारा स्क्रिप्ट पर काम किया गया और माधवन ने पूरी मेहनत इस पर झोंक दी।
आपको बता दें फिल्म की शूटिंग कई देशों में की गई है, जिसमें भारत, जॉर्जिया, फ्रांस, कनाडा, सर्बिया और रूस जैसे देश शामिल है। फिलहाल मोशन पोस्टर लोगों को खूब पसंद आ रहा है और इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। इस फिल्म में आपको शाहरुख खान भी दिखेंगे एज अ कैमियो रोल करते हुए। तो दोस्तों कितना इंतजार है इस फिल्म का नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। की रॉकेट्री बॉक्स ऑफिस पर मचा पाएगी तहलका? आखिर आर माधवन ने 4 साल से क्यों नहीं की कमाई? क्या डरे हुए हैं आर माधवन? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जियाल। दोस्तों एक्टर आर माधवन इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनकी फिल्म आने वाली है रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट, और इसे 19 मई को 75वें कान फेस्टिवल में भी प्रीमियर किया गया। इस फिल्म को एक्टर ने लिखा है, साथ में डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी किया है। स्क्रीनिंग होने के बाद मौजूद लोगों ने वहां 10 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन दिया। फिल्म की जमकर तारीफें की गई। ये मूवी एक्टर के करियर का सबसे खास प्रोजेक्ट है। हालांकि अब ये लोगों को कितनी पसंद आएगी इस बात का डर उन्हें बहुत ज्यादा सता रहा है। एक इंटरव्यू में एक्टर ने बहुत ज्यादा खुलासा किया और कहा कि 4 साल से उन्होंने एक भी पैसा नहीं कमाया। इसके पीछे उन्होंने वजह भी बताई। माधवन का कहना है कि उन्हें अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर काफी डर लग रहा है, उसकी कमाई को लेकर चिंता सता रही है। उन्होंने बताया कि 2 साल कोरोना में और उसके पहले 2 साल वो फिल्म को बनाने में बिजी रहे। इन 4 सालों में उन्होंने एक भी रुपया नहीं कमाया फिल्मों से। साथ ही माधवन ने कहा कि वो एक चीज है जिसकी वजह से वो जिंदा है, वो है OTT। इसके अलावा कोई फिल्म नहीं की, और उनकी पिछली फिल्म थी विक्रम वेधा। इसके अलावा डी कबल्ड वेब सीरीज में वो नजर आए थे। इस वजह से वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि ये फिल्म चल पाएगी या नहीं। ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जो भारतीय वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर नंबी नारायणम के जीवन पर आधारित है। इन्हें असल जिंदगी में जासूसी के झूठे केस में फंसा दिया गया था। इस फिल्म में शाहरुख खान केमियो करते हुए नजर आएंगे। हिंदी, तमिल, अंग्रेजी के अलावा इसे तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में भी रिलीज किया जाएगा। ये बहुत ज्यादा खास फिल्म है आर माधवन के लिए। अब देखना होगा बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई कर सकती है ये फिल्म। आपको इस बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। दोस्तों लार्जर देन लाइफ के साथ इंटरनेट पर धूम मचाने के बाद आर माधवन की मोस्ट अवेटेड फिल्म रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट फाइनली 1 अप्रैल 2022 को दुनिया भर के थिएटिकल के लिए तैयार हो चुकी है। फिल्म को कई लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा, और इसीलिए फिल्म को एक ही साथ कई लैंग्वेज में शूट भी किया गया था। फिल्म रॉकेट्री में आर माधवन नंबी नारायण के कैरेक्टर में दिखेंगे। ये माधवन के डायरेक्शन में पहली फिल्म है। सिर्फ यही नहीं बल्कि देखा जाए तो इस फिल्म को लिखा भी है आर माधवन ने। दोस्तों फिल्म की कहानी इंडियन साइंटिस्ट नंबी नारायण के जीवन पर बेस्ड है कि उन्होंने इंडिया के लिए क्या क्या किया था और उसके बजाय उन्हें क्या मिला था। दोस्तों फिल्म का ट्रेलर बहुत पहले ही रिलीज हो चुका था। आर माधवन की फिल्म रॉकेट्री का ट्रेलर लोगों को बहुत पसंद आया था। ट्रेलर रिलीज के बाद से ही और शुरू से ही फिल्म काफी विवादों में रही। फाइनली अब जाकर कहीं फिल्म की रिलीज डेट सामने आई है। रिपोर्ट्स की माने तो आर माधवन के साथ इस फिल्म में शाहरुख खान का एक कैमियो होगा। लंबे वक्त के बाद शाहरुख खान किसी फिल्म में नजर आने वाले हैं। देखा जाए तो पठान से पहले शाहरुख खान रॉकेट्री में नजर आएंगे। शाहरुख खान के फैंस के लिए ये एक बहुत बड़ी अपडेट और गुड न्यूज है कि वो अपने फेवरेट हीरो को फाइनली सिनेमा घरों में देख पाएंगे। फिल्म में शाहरुख खान एक न्यूज एंकर बने हैं, न्यूज रिपोर्टर बने हैं, जो कि आर माधवन का इंटरव्यू लेते दिखाई देंगे। दोस्तों ट्रेलर देखकर तो लगा कि फिल्म की कहानी काफी मजेदार है, और अब तो फाइनली फिल्म की रिलीज डेट आ गई है तो फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ जाएगी फिल्म को देखने के लिए। आप कितने एक्साइटमेंट है रॉकेट्री के लिए और आर माधवन की पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू के लिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज।
बॉलीवुड एक्टर आर माधवन द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म रॉकेट विद द नंबी इफेक्ट का ट्रेलर आज रिलीज हो चुका है। फिल्म में बतौर एक्टर माधवन ने गजब की एक्टिंग की है, साथ ही फैंस को इस फिल्म में किंग खान शाहरुख खान भी देखने को मिले हैं, जिनकी एक झलक ट्रेलर में देखने को मिली है। दोस्तों आपको बता दें कि ये फिल्म नंबी नारायण की लाइफ पर बेस्ड है, जिसमें आर माधवन ने ही नंबी का रोल प्ले किया है। एक्टर ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी फिल्म के ट्रेलर के आने की खबर फैंस को दी। दोस्तों ट्रेलर की शुरुआत होती है शाहरुख खान के साथ, जो कि एक जर्नलिस्ट का कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। इस फिल्म को बनाने के लिए आर माधवन को 3 साल का समय लगा। दरअसल इस फिल्म के कई सीन्स को कई देशों में शूट किया गया, जैसे कि स्कॉटलैंड, फ्रांस और रूस। इस फिल्म को साल की सबसे बड़ी शाइनिंग इंडिया फिल्म मानी जा रही है। दर्शकों को इस फिल्म में माधवन और शाहरुख खान के अलावा सिमरन और रविंद्र राघवेंद्र लीड रोल में दिखाई दिए। डायरेक्टर के तौर पर आर माधवन की ये पहली फिल्म होगी जिसे उन्होंने कोरोना संक्रमित होने के बाद भी क्वारंटाइन में रहते हुए फिल्म के ट्रेलर रिलीज की पूरी तैयारी की। बता दें कि इस फिल्म को 6 लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, तमिल, कन्नड़ और मलयालम। वहीं एक्टर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म अमेरिकी पंडित को लेकर बिजी चल रहे हैं। दोस्तों बात करें फिल्म की कहानी की और ट्रेलर की। दोस्तों फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट का ट्रेलर किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म के ट्रेलर की तरह शुरू होता है। अंतरिक्ष वैज्ञानिक नंबी नारायण की कहानी किसी जेम्स बॉन्ड की फिल्म से कम नहीं है। जब अमेरिका ने पूरी दुनिया की निगरानी के लिए अपने उपग्रह तैनात कर रखे थे, तो नंबी नारायण अपने रॉकेट इंजन के पुर्जे रूस से पाकिस्तान के जरिए भारत ले आए थे। शीत युद्ध काल में भारत का कोई वैज्ञानिक ऐसा करने का दुस्साहस ही कर सकता था। फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट का ट्रेलर बताया गया है कि नंबी नारायण बनना दुस्साहस ही है। एक सामान्य सोच रखने वाला इंसान कुछ भी बन सकता है, लेकिन नंबी नारायण नहीं बन सकता। ये पागलों जैसा काम है। नासा की नौकरी छोड़ इसरो के जरिए देश की सेवा करना और अपना खुद का घर इस चक्कर में बर्बाद कर लेना। जिस वैज्ञानिक ने देश को बुलंदियों पर पहुंचाने का सपना देखा, उसके नितंब इसी देश की पुलिस हवालात में लाल कर देती है। यही इस फिल्म की असली कहानी है। नंबी नारायण का पुलिस हिरासत में छूटने के बाद अपने सम्मान के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना और हर अदालत में खुद को बेदाग साबित करने का करिश्मा है फिल्म रॉकेट द नंबी इफेक्ट। मोदी सरकार ने इन वैज्ञानिकों को 2019 में पद्म भूषण दिया है, लेकिन उनकी हिम्मत, मेहनत और हौसले का असल इनाम है फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। दोस्तों आपको बता दें कि नंबी नारायण खुद इस फिल्म से दिन प्रतिदिन जुड़े रहे। उनकी कहानियां इतनी है कि इसे एक फिल्म में समेटने का करिश्मा भी सिर्फ आर माधवन ही कर सकते थे। ट्रेलर कमाल का है, माधवन की मेकिंग बेमिसाल है और उनके इस जज्बे को हमारी तरफ से सलाम है। फिल्म का बेसब्री से इंतजार रहेगा हमें। हालांकि कब फिल्म रिलीज हो रही है अभी इसे भी सस्पेंस रखा गया है। वेल दोस्तों देखा जाए तो ट्रेलर 2 लैंग्वेज में रिलीज हुआ है अभी, इंग्लिश और तमिल। दोनों को पब्लिक से अच्छा खासा प्यार मिल रहा है। आप लोगों को कैसा लगा ट्रेलर, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। क्यों नहीं आई माधवन की पिछले 4 साल से एक भी फिल्म? माधवन को क्या डर है रॉकेटरी को लेकर? कहां हुआ था रॉकेटरी का प्रीमियर? सो हेलो टू माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। दिस इज रिया और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूं एक ऐसी दिलचस्प खबर जो कि जुड़ी है बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के साथ। तो दोस्तों अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। एक्टर आर माधवन इन दिनों खूब सुर्खियों को बटोर रहे हैं क्योंकि उनकी फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट का 19 मई को 75वें कान फिल्म में फेस्टिवल में प्रीमियर हुआ। इस फिल्म को एक्टर ने ही लिखा, डायरेक्टर किया और प्रोड्यूस भी उन्होंने ही किया। आर माधवन को स्क्रीनिंग होने के बाद मौजूद लोगों ने 10 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया, फिल्म की जमकर तारीफ भी की। ये मूवी एक्टर के करियर का सबसे खास प्रोजेक्ट है। हालांकि अब ये लोगों को कितनी पसंद आएगी इस बात का डर एक्टर को सताए जा रहा है।
एक इंटरव्यू में माधवन ने खुलासा किया था कि उन्होंने पिछले 4 सालों से एक पैसा नहीं कमाया है। इसके पीछे की वजह बताते हुए उन्होंने बताया है कि उन्हें अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर काफी डर लग रहा है, उसकी कमाई को लेकर चिंता सता रही है। उन्होंने बताया कि 2 साल कोरोना में और उसके पहले के 2 साल वो फिल्म को बनाने में वो व्यस्त रहे। इन 4 सालों में मतलब उन्होंने 1 रुपया भी नहीं कमाया। माधवन के मुताबिक वो चीजें जिन्होंने मुझे अब तक संभाले हुए हैं और जिंदा रखा है वो OTT है। इसके अलावा कोई फिल्म नहीं की है और मेरी पिछली फिल्म विक्रम वेदा भी, इसके अलावा मैंने डी कपल्ड वेब सीरीज में भी काम किया था। इस वजह से वो डर रहे हुए हैं कि ये फिल्म चल पाएगी या नहीं। और इस इंटरव्यू में माधवन ने अपनी पत्नी सरिता को थैंक यू कहा है। उनका कहना है कि इस मुश्किल दौर में वो एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनी रही हैं उनके लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि माधवन ने इन 4 सालों में काम ही नहीं किया। पैसा ना कमाने का मतलब था कि उन्होंने काम तो किया लेकिन उन्हें वो रिजल्ट नहीं मिले जिसकी उम्मीद माधवन ने की थी। यही वजह है कि ये अपनी आने वाली फिल्म रॉकेट्री के लेकर डरे हुए हैं, क्योंकि अगर ये फिल्म भी लोगों को पसंद नहीं आई तो माधवन शायद ही कोई फिल्म बना पाए। फिल्म के बारे में बात करें तो रॉकेट्री में एक्टर आर माधव ने डॉक्टर नंबी नारायण का किरदार निभाया है और ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जो भारतीय वैज्ञानिक और एयरस्पोर्ट इंजीनियर नंबी नारायण के लाइफ पर बेस्ड है। इसे असल जिंदगी में जासूसी के झूठे केस में फंसाया गया था और इस फिल्म में शाहरुख खान कैमियो करते हुए दिखाई देंगे। हिंदी, तमिल और अंग्रेजी के अलावा ये तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में भी 1 जुलाई 2022 को रिलीज की जाएगी। आप इनकी इस बायोग्राफिकल फिल्म के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं हमें ये कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बॉलीवुड रैट स्टूडियोज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और नए कंटेंट के साथ। तब तक खुश रहें, सेफ रहें, बने रहिए मेरे साथ। रॉकेट्री के मोशन पोस्टर ने कैसे बढ़ाई फैंस की बेताबी? क्या फिल्म बनते बनते आर माधवन का अकाउंट बैलेंस हुआ खाली? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोरिका जाल। दोस्तों, रॉकेट्री द नाम्बी इफेक्ट का लोगों को बेसब्री से इंतजार हो रहा है। अब फाइनली इसका मोशन पोस्टर रिलीज हो चुका है। एक्टर आर माधवन ने खुद इसे ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। कैप्शन की बजाय उन्होंने हैशटैग का इस्तेमाल किया और लिखा, रॉकेट्री फिल्म मोशन पोस्टर आउट। वहीं दोस्तों, आपको बता दें इस फिल्म का डायरेक्शन आर माधवन कर रहे हैं, साथ ही फिल्म में वैज्ञानिक नंबी नारायणम का किरदार प्ले कर रहे हैं। ये फिल्म इसरो के पूर्व वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर नंबी नारायणम के जीवन पर आधारित है। ये फिल्म 1 जुलाई को रिलीज होने वाली है और भारत की प्रधानमंत्री PM मोदी ने भी इसकी जमकर तारीफें की और ट्वीट किया। वहीं दोस्तों, ऐसा पहली बार होगा जब आर माधवन किसी फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं। साथ ही आर माधवन ने फिल्म से जुड़ी काफ़ी चीज़ें बताई और बताया कि किस तरह से 4 साल से उन्होंने फिल्मों से कोई भी कमाई नहीं की है, उनका बैंक अकाउंट खाली हो चुका था, लेकिन इस फिल्म से उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। इस फिल्म के लिए वो बहुत ज़्यादा डरे हुए भी हैं कि लोगों को फिल्म पसंद आएगी या नहीं। आर माधवन के इस मोशन पोस्टर को लोगों ने जमकर वायरल कर दिया है, बहुत पसंद किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, कान फिल्म फेस्टिवल 2022 में वर्ल्ड वाइड इसको प्रीमियर किया गया और साइंस फिक्शन फिल्मों को पसंद करने वाले लोगों ने दुनिया भर में इसकी तारीफें की। इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर 7 महीने तक काम किया आर माधवन ने। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया कि जब नारायणम ने बताया कि उन्होंने नासा फेलोशिप कर ली है तो 1969 में प्रतिष्ठित प्रिंसटन विश्वविद्यालय में भी उन्हें स्वीकार कर लिया गया था, इसीलिए 7 महीनों में दोबारा स्क्रिप्ट पर काम किया गया और माधवन ने पूरी मेहनत इस पर झोंक दी। आपको बता दें, फिल्म की शूटिंग कई देशों में की गई है जिसमें भारत, जॉर्जिया, फ्रांस, कनाडा, सर्बिया और रूस जैसे देश शामिल हैं। फिलहाल मोशन पोस्टर लोगों को खूब पसंद आ रहा है और इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। इस फिल्म में आपको शाहरुख खान भी दिखेंगे एज अ कैमियो रोल करते हुए। तो दोस्तों, कितना इंतजार है इस फिल्म का, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।
आकेट्री बॉक्स ऑफिस पर मचा पाएगी तहलका। आखिर आर माधवन ने चार साल से क्यों नहीं की कमाई, क्या डरे हुए हैं आर माधवन? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जियाल। दोस्तों, एक्टर आर माधवन इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनकी फिल्म आने वाली है रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट, और इसे 19 मई को 75वें कान फेस्टिवल में भी प्रीमियर किया गया। इस फिल्म को एक्टर ने लिखा है, साथ में डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी किया है। स्क्रीनिंग होने के बाद मौजूद लोगों ने वहां 10 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन दिया। फिल्म की जमकर तारीफें की गई। ये मूवी एक्टर के करियर का सबसे खास प्रोजेक्ट है। हालांकि अब ये लोगों को कितनी पसंद आएगी, इस बात का डर उन्हें बहुत ज्यादा सता रहा है। एक इंटरव्यू में एक्टर ने बहुत ज्यादा खुलासा किया और कहा कि चार साल से उन्होंने एक भी पैसा नहीं कमाया। इसके पीछे उन्होंने वजह भी बताई। माधवन का कहना है कि उन्हें अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर काफी डर लग रहा है, उसकी कमाई को लेकर चिंता सता रही है। उन्होंने बताया कि 2 साल कोरोना में और उसके पहले 2 साल वो फिल्म को बनाने में बिजी रहे। इन 4 सालों में उन्होंने एक भी रुपया नहीं कमाया फिल्मों से। साथ ही माधवन ने कहा कि वो एक चीज है जिसकी वजह से वो जिंदा है, वो है OTT। इसके अलावा कोई फिल्म नहीं की, और उनकी पिछली फिल्म थी विक्रम वेधा। इसके अलावा डी कबल्ड वेब सीरीज में वो नजर आए थे। इस वजह से वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि ये फिल्म चल पाएगी या नहीं। ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जो भारतीय वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर नंबी नारायणम के जीवन पर आधारित है। इन्हें असल जिंदगी में जासूसी के झूठे केस में फंसा दिया गया था। इस फिल्म में शाहरुख खान केमियो करते हुए नजर आएंगे। हिंदी, तमिल, अंग्रेजी के अलावा इसे तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में भी रिलीज किया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा खास फिल्म है आर माधवन के लिए। अब देखना होगा बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई कर सकती है ये फिल्म। आपको इस बारे में क्या लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को। दोस्तों, लार्जर देन लाइफ के साथ इंटरनेट पर धूम मचाने के बाद आर माधवन की मोस्ट अवेटेड फिल्म रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट फाइनली 1 अप्रैल 2022 को दुनिया भर के थिएटिकल के लिए तैयार हो चुकी है। फिल्म को कई लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा, और इसीलिए फिल्म को एक ही साथ कई लैंग्वेज में शूट भी किया गया था। फिल्म रॉकेट्री में आर माधवन नंबी नारायण के कैरेक्टर में दिखेंगे। ये माधवन के डायरेक्शन में पहली फिल्म है। सिर्फ यही नहीं बल्कि देखा जाए तो इस फिल्म को लिखा भी है आर माधवन ने। दोस्तों, फिल्म की कहानी इंडियन साइंटिस्ट नंबी नारायण के जीवन पर बेस्ड है कि उन्होंने इंडिया के लिए क्या क्या किया था और उसके बजाय उन्हें क्या मिला था। दोस्तों, फिल्म का ट्रेलर बहुत पहले ही रिलीज हो चुका था। आर माधवन की फिल्म रॉकेट्री का ट्रेलर लोगों को बहुत पसंद आया था। ट्रेलर रिलीज के बाद से ही और शुरू से ही फिल्म काफी विवादों में रही। फाइनली अब जाकर कहीं फिल्म की रिलीज डेट सामने आई है। रिपोर्ट्स की माने तो आर माधवन के साथ इस फिल्म में शाहरुख खान का एक कैमियो होगा। लंबे वक्त के बाद शाहरुख खान किसी फिल्म में नजर आने वाले हैं। देखा जाए तो पठान से पहले शाहरुख खान रॉकेट्री में नजर आएंगे। शाहरुख खान के फैंस के लिए ये एक बहुत बड़ी अपडेट और गुड न्यूज है कि वो अपने फेवरेट हीरो को फाइनली सिनेमा घरों में देख पाएंगे। फिल्म में शाहरुख खान एक न्यूज एंकर बने हैं, न्यूज रिपोर्टर बने हैं, जो कि आर माधवन का इंटरव्यू लेते दिखाई देंगे। दोस्तों, ट्रेलर देखकर तो लगा कि फिल्म की कहानी काफी मजेदार है, और अब तो फाइनली फिल्म की रिलीज डेट आ गई है तो फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ जाएगी फिल्म को देखने के लिए। आप कितने एक्साइटमेंट है रॉकेट्री के लिए और आर माधवन की पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू के लिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहे बॉलीग्राड स्टूडियोज। बॉलीवुड एक्टर आर माधवन द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट का ट्रेलर आज रिलीज हो चुका है। फिल्म में बतौर एक्टर माधवन ने गजब की एक्टिंग की है। साथ ही फैंस को इस फिल्म में किंग खान शाहरुख खान भी देखने को मिले हैं, जिनकी एक झलक ट्रेलर में देखने को मिली है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये फिल्म नंबी नारायण की लाइफ पर बेस्ड है, जिसमें आर माधवन ने ही नंबी का रोल प्ले किया है। एक्टर ने सोशल मीडिया के जरिए
अपनी फिल्म के ट्रेलर के आने की खबर फैंस को दी। दोस्तों ट्रेलर की शुरुआत होती है शाहरुख खान के साथ, जो कि एक जर्नलिस्ट का कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। इस फिल्म को बनाने के लिए आर माधवन को 3 साल का समय लगा। दरअसल इस फिल्म के कई सीन्स को कई देशों में शूट किया गया, जैसे कि स्कॉटलैंड, फ्रांस और रूस। इस फिल्म को साल की सबसे बड़ी शाइनिंग इंडिया फिल्म मानी जा रही है। दर्शकों को इस फिल्म में माधवन और शाहरुख खान के अलावा सिमरन और रविंद्र राघवेंद्र लीड रोल में दिखाई दिए। डायरेक्टर के तौर पर आर माधवन की ये पहली फिल्म होगी जिसे उन्होंने कोरोना संक्रमित होने के बाद भी क्वारंटाइन में रहते हुए फिल्म के ट्रेलर रिलीज की पूरी तैयारी की। बता दें कि इस फिल्म को 6 लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, तमिल, कन्नड़ और मलयालम। वहीं एक्टर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म अमेरिकी पंडित को लेकर बिजी चल रहे हैं। दोस्तों बात करें फिल्म की कहानी की और ट्रेलर की। दोस्तों फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट का ट्रेलर किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म के ट्रेलर की तरह शुरू होता है। अंतरिक्ष वैज्ञानिक नंबी नारायण की कहानी किसी जेम्स बॉन्ड की फिल्म से कम नहीं है। जब अमेरिका ने पूरी दुनिया की निगरानी के लिए अपने उपग्रह तैनात कर रखे थे, तो नंबी नारायण अपने रॉकेट इंजन के पुर्जे रूस से पाकिस्तान के जरिए भारत ले आए थे। शीत युद्ध काल में भारत का कोई वैज्ञानिक ऐसा करने का दुस्साहस ही कर सकता था। फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट का ट्रेलर बताया गया है कि नंबी नारायण बनना दुस्साहस ही है। एक सामान्य सोच रखने वाला इंसान कुछ भी बन सकता है, लेकिन नंबी नारायण नहीं बन सकता। ये पागलों जैसा काम है। नासा की नौकरी छोड़ इसरो के जरिए देश की सेवा करना और अपना खुद का घर इस चक्कर में बर्बाद कर लेना। जिस वैज्ञानिक ने देश को बुलंदियों पर पहुंचाने का सपना देखा, उसके नितंब इसी देश की पुलिस हवालात में लाल कर देती है। यही इस फिल्म की असली कहानी है। नंबी नारायण का पुलिस हिरासत में छूटने के बाद अपने सम्मान के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना और हर अदालत में खुद को बेदाग साबित करने का करिश्मा है फिल्म रॉकेट द नंबी इफेक्ट। मोदी सरकार ने इन वैज्ञानिकों को 2019 में पद्म भूषण दिया है, लेकिन उनकी हिम्मत, मेहनत और हौसले का असल इनाम है फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। दोस्तों आपको बता दें कि नंबी नारायण खुद इस फिल्म से दिन प्रतिदिन जुड़े रहे हैं। उनकी कहानियां इतनी है कि इसे एक फिल्म में समेटने का करिश्मा भी सिर्फ आर माधवन ही कर सकते थे। ट्रेलर कमाल का है। माधवन की मेकिंग बेमिसाल है और उनके इस जज्बे को हमारी तरफ से सलाम है। फिल्म का बेसब्री से इंतजार रहेगा हमें। हालांकि कब फिल्म रिलीज हो रही है अभी इसे भी सस्पेंस रखा गया है। वेल दोस्तों देखा जाए तो ट्रेलर 2 लैंग्वेज में रिलीज हुआ है, अभी इंग्लिश और तमिल। दोनों को पब्लिक से अच्छा खासा प्यार मिल रहा है। आप लोगों को कैसा लगा ट्रेलर, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। क्यों नहीं आई माधवन की पिछले 4 साल से एक भी फिल्म? माधवन को क्या डर है रॉकेटरी को लेकर? कहां हुआ था रॉकेटरी का प्रीमियर? सो हेलो टू माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दिस इज रिया और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूं एक ऐसी दिलचस्प खबर जो कि जुड़ी है बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के साथ। तो दोस्तों अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। एक्टर आर माधवन इन दिनों खूब सुर्खियों को बटोर रहे हैं क्योंकि उनकी फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट का 19 मई को 75th वे कान फिल्म में फेस्टिवल में प्रीमियर हुआ। इस फिल्म को एक्टर ने ही लिखा, डायरेक्टर किया और प्रोड्यूस भी उन्होंने ही किया। आर माधवन को स्क्रीनिंग होने के बाद मौजूद लोगों ने 10 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया, फिल्म की जमकर तारीफ भी की। ये मूवी एक्टर के करियर का सबसे खास प्रोजेक्ट है। हालांकि अब ये लोगों को कितनी पसंद आएगी इस बात का डर एक्टर को सताए जा रहा है। एक इंटरव्यू में माधवन ने खुलासा किया था कि उन्होंने पिछले 4 सालों से एक पैसा नहीं कमाया है। इसके पीछे की वजह बताते हुए उन्होंने बताया है कि उन्हें अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर काफी डर लग रहा है, उसकी कमाई को लेकर चिंता सता रही है। उन्होंने बताया कि 2 साल कोरोना में और उसके पहले के 2 साल वो फिल्म को बनाने में वो व्यस्त रहे। इन 4 सालों में मतलब उन्होंने 1 रुपया भी नहीं कमाया। माधवन के मुताबिक वो चीजें जिन्होंने मुझे अब तक संभाले हुए हैं और जिंदा
रखा है वो OTT है। इसके अलावा कोई फिल्म नहीं की है और मेरी पिछली फिल्म विक्रम वेदा भी, इसके अलावा मैंने डीकपल्ड वेब सीरीज में भी काम किया था। इस वजह से वह डर रहे हुए हैं कि ये फिल्म चल पाएगी या नहीं। और इस इंटरव्यू में माधवन ने अपनी पत्नी सरिता को थैंक यू कहा है। उनका कहना है कि इस मुश्किल दौर में वो एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनी रही हैं उनके लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि माधवन ने इन 4 सालों में काम ही नहीं किया। पैसा ना कमाने का मतलब था कि उन्होंने काम तो किया लेकिन उन्हें वो रिजल्ट नहीं मिले जिसकी उम्मीद माधवन ने की थी। यही वजह है कि ये अपनी आने वाली फिल्म रॉकेट्री के लेकर डरे हुए हैं, क्योंकि अगर ये फिल्म भी लोगों को पसंद नहीं आई तो माधवन शायद ही कोई फिल्म बना पाए। फिल्म के बारे में बात करें तो रॉकेट्री में एक्टर आर माधव ने डॉक्टर नंबी नारायण का किरदार निभाया है और ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जो भारतीय वैज्ञानिक और एयरस्पोर्ट इंजीनियर नंबी नारायण के लाइफ पर बेस्ड है। इसे असल जिंदगी में जासूसी के झूठे केस में फंसाया गया था और इस फिल्म में शाहरुख खान कैमियो करते हुए दिखाई देंगे। हिंदी, तमिल और अंग्रेजी के अलावा ये तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में भी 1 जुलाई 2022 को रिलीज की जाएगी। आप इनकी इस बायोग्राफिकल फिल्म के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं हमें ये कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और नए कंटेंट के साथ। तब तक खुश रहें, सेफ रहें, बने रहिए मेरे साथ। रॉकेट्री के मोशन पोस्टर ने कैसे बढ़ाई फैंस की बेताबी? क्या फिल्म बनते बनते आर माधवन का अकाउंट बैलेंस हुआ खाली? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोरिका जयाल। दोस्तों, रॉकेट्री द नाम भी इफेक्ट का लोगों को बेसब्री से इंतजार हो रहा है। अब फाइनली इसका मोशन पोस्टर रिलीज हो चुका है। एक्टर आर माधवन ने खुद इसे ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। कैप्शन के बजाय उन्होंने हैशटैग का इस्तेमाल किया और लिखा रॉकेट्री फिल्म मोशन पोस्टर आउट। वहीं दोस्तों, आपको बता दें इस फिल्म का डायरेक्शन आर माधवन कर रहे हैं, साथ ही फिल्म में वैज्ञानिक नंबी नारायणम का किरदार प्ले कर रहे हैं। ये फिल्म इसरो के पूर्व वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर नंबी नारायणम के जीवन पर आधारित है। ये फिल्म 1 जुलाई को रिलीज होने वाली है और भारत की प्रधानमंत्री PM मोदी ने भी इसकी जमकर तारीफें की और ट्वीट किया। वहीं दोस्तों, ऐसा पहली बार होगा जब आर माधवन किसी फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं। साथ ही आर माधवन ने फिल्म से जुड़ी काफ़ी चीज़ें बताई और बताया कि किस तरह से 4 साल से उन्होंने फिल्मों से कोई भी कमाई नहीं की है, उनका बैंक अकाउंट खाली हो चुका था, लेकिन इस फिल्म से उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। इस फिल्म के लिए वो बहुत ज़्यादा डरे हुए भी हैं कि लोगों को फिल्म पसंद आएगी या नहीं। आर माधवन के इस मोशन पोस्टर को लोगों ने जमकर वायरल कर दिया है, बहुत पसंद किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, कान फिल्म फेस्टिवल 2022 में वर्ल्ड वाइड इसको प्रीमियर किया गया और साइंस फिक्शन फिल्मों को पसंद करने वाले लोगों ने दुनिया भर में इसकी तारीफें की। इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर 7 महीने तक काम किया आर माधवन ने। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया कि जब नारायणम ने बताया कि उन्होंने नासा फेलोशिप कर ली है तो 1969 में प्रतिष्ठित प्रिंसटन विश्वविद्यालय में भी उन्हें स्वीकार कर लिया गया था, इसीलिए 7 महीनों में दोबारा स्क्रिप्ट पर काम किया गया और माधवन ने पूरी मेहनत इस पे झोंक दी। आपको बता दें, फिल्म की शूटिंग कई देशों में की गई है जिसमें भारत, जॉर्जिया, फ्रांस, कनाडा, सर्बिया और रूस जैसे देश शामिल है। फिलहाल मोशन पोस्टर लोगों को खूब पसंद आ रहा है और इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। इस फिल्म में आपको शाहरुख खान भी दिखेंगे एज अ कैमियो रोल करते हुए। तो दोस्तों, कितना इंतजार है इस फिल्म का, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। रॉकेट्री बॉक्स ऑफिस पर मचा पाएगी तहलका? आखिर आर माधवन ने 4 साल से क्यों नहीं की कमाई? क्या डरे हुए हैं आर माधवन? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। दोस्तों, एक्टर आर माधवन इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनकी फिल्म आने वाली है रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट
और इसे 19 मई को 75वें कान फेस्टिवल में भी प्रीमियर किया गया। इस फिल्म को एक्टर ने लिखा है, साथ में डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी किया है। स्क्रीनिंग होने के बाद मौजूद लोगों ने वहां 10 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन दिया। फिल्म की जमकर तारीफें की गई। ये मूवी एक्टर के करियर का सबसे खास प्रोजेक्ट है। हालांकि अब ये लोगों को कितनी पसंद आएगी इस बात का डर उन्हें बहुत ज्यादा सता रहा है। एक इंटरव्यू में एक्टर ने बहुत ज्यादा खुलासा किया और कहा कि 4 साल से उन्होंने एक भी पैसा नहीं कमाया। इसके पीछे उन्होंने वजह भी बताई। माधवन का कहना है कि उन्हें अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर काफी डर लग रहा है, उसकी कमाई को लेकर चिंता सता रही है। उन्होंने बताया कि 2 साल कोरोना में और उसके पहले 2 साल वो फिल्म को बनाने में बिजी रहे। इन 4 सालों में उन्होंने एक भी रुपया नहीं कमाया फिल्मों से। साथ ही माधवन ने कहा कि वो एक चीज़ है जिसकी वजह से वो जिंदा है, वो है OTT। इसके अलावा कोई फिल्म नहीं की और उनकी पिछली फिल्म थी विक्रम वेधा। इसके अलावा डी कबल्ड वेब सीरीज में वो नजर आए थे। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि ये फिल्म चल पाएगी या नहीं। ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जो भारतीय वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर नंबी नारायणम के जीवन पर आधारित है। इन्हें असल जिंदगी में जासूसी के झूठे केस में फंसा दिया गया था। इस फिल्म में शाहरुख खान केमियो करते हुए नजर आएंगे। हिंदी, तमिल, अंग्रेजी के अलावा इसे तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में भी रिलीज किया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा खास फिल्म है आर माधवन के लिए। अब देखना होगा बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई कर सकती है ये फिल्म। आपको इस बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज़ को। दोस्तों लार्जर देन लाइफ के साथ इंटरनेट पर धूम मचाने के बाद आर माधवन की मोस्ट अवेटेड फिल्म रॉकेट विद नंबी इफेक्ट फाइनली 1 अप्रैल 2022 को दुनिया भर के थिएटरिकल के लिए तैयार हो चुकी है। फिल्म को कई लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा और इसीलिए फिल्म को एक ही साथ कई लैंग्वेज में शूट भी किया गया था। फिल्म रॉकेटरी में आर माधवन नंबी नारायण के कैरेक्टर में दिखेंगे। ये माधवन के डायरेक्शन में पहली फिल्म है। सिर्फ यही नहीं बल्कि देखा जाए तो इस फिल्म को लिखा भी है आर माधवन ने। दोस्तों फिल्म की कहानी इंडियन साइंटिस्ट नंबी नारायण के जीवन पर बेस्ड है कि उन्होंने इंडिया के लिए क्या क्या किया था और उसके बजाय उन्हें क्या मिला था। दोस्तों फिल्म का ट्रेलर बहुत पहले ही रिलीज हो चुका था। आर माधवन की फिल्म रॉकेट का ट्रेलर लोगों को बहुत पसंद आया था। ट्रेलर रिलीज के बाद से ही और शुरू से ही फिल्म काफ़ी विवादों में रही। फाइनली अब जाकर कहीं फिल्म की रिलीज डेट सामने आई है। रिपोर्ट्स की माने तो आर माधवन के साथ इस फिल्म में शाहरुख खान का एक कैमियो होगा। लंबे वक्त के बाद शाहरुख खान किसी फिल्म में नज़र आने वाले हैं। देखा जाए तो पठान से पहले शाहरुख खान रॉकेट्री में नज़र आएंगे। शाहरुख खान के फैंस के लिए ये एक बहुत बड़ी अपडेट और गुड न्यूज़ है कि वो अपने फेवरेट हीरो को फाइनली सिनेमा घरों में देख पाएंगे। फिल्म में शाहरुख खान एक न्यूज़ एंकर बने हैं, न्यूज़ रिपोर्टर बने हैं, जो कि आर माधवन का इंटरव्यू लेते दिखाई देंगे। दोस्तों ट्रेलर देखकर तो लगा कि फिल्म की कहानी काफ़ी मज़ेदार है और अब तो फाइनली फिल्म की रिलीज डेट आ गई है तो फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ जाएगी फिल्म को देखने के लिए। आप कितने एक्साइटमेंट है रॉकेट्री के लिए और आर माधवन की पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू के लिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज। बॉलीवुड एक्टर आर माधवन द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट का ट्रेलर आज रिलीज हो चुका है। फिल्म में बतौर एक्टर माधवन ने गजब की एक्टिंग की है। साथ ही फैंस को इस फिल्म में किंग खान शाहरुख खान भी देखने को मिले हैं, जिनकी एक झलक ट्रेलर में देखने को मिली है। दोस्तों आपको बता दें कि ये फिल्म नंबी नारायण की लाइफ पर बेस्ड है, जिसमें आर माधवन ने ही नंबी का रोल प्ले किया है। एक्टर ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी फिल्म के ट्रेलर के आने की खबर फैंस को दी। दोस्तों ट्रेलर की शुरुआत होती है शाहरुख खान के साथ, जो कि एक जर्नलिस्ट का कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। इस फिल्म को बनाने के लिए आर माधवन को 3 साल का समय लगा। दरअसल इस फिल्म के कई सीन्स को कई देशों में शूट किया गया,
जैसे कि स्कॉटलैंड, फ्रांस और रूस। इस फिल्म को साल की सबसे बड़ी शाइनिंग इंडिया फिल्म मानी जा रही है। दर्शकों को इस फिल्म में माधवन और शाहरुख खान के अलावा सिमरन और रविंद्र राघवेंद्र लीड रोल में दिखाई दिए। डायरेक्टर के तौर पर आर माधवन की ये पहली फिल्म होगी जिसे उन्होंने कोरोना संक्रमित होने के बाद भी क्वारंटाइन में रहते हुए फिल्म के ट्रेलर रिलीज की पूरी तैयारी की। बता दें कि इस फिल्म को 6 लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, तमिल, कन्नड़ और मलयालम। वहीं एक्टर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म अमेरिकी पंडित को लेकर बिजी चल रहे हैं। दोस्तों बात करें फिल्म की कहानी की और ट्रेलर की। दोस्तों फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट का ट्रेलर किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म के ट्रेलर की तरह शुरू होता है। अंतरिक्ष वैज्ञानिक नंबी नारायण की कहानी किसी जेम्स बॉन्ड की फिल्म से कम नहीं है। जब अमेरिका ने पूरी दुनिया की निगरानी के लिए अपने उपग्रह तैनात कर रखे थे तो नंबी नारायण अपने रॉकेट इंजन के पुर्जे रूस से पाकिस्तान के जरिए भारत ले आए थे। शीत युद्ध काल में भारत का कोई वैज्ञानिक ऐसा करने का दुस्साहस ही कर सकता था। फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट का ट्रेलर बताया गया है कि नंबी नारायण बनना दुस्साहस ही है। एक सामान्य सोच रखने वाला इंसान कुछ भी बन सकता है, लेकिन नंबी नारायण नहीं बन सकता। ये पागलों जैसा काम है। नासा की नौकरी छोड़ इसरो के जरिए देश की सेवा करना और अपना खुद का घर इस चक्कर में बर्बाद कर लेना। जिस वैज्ञानिक ने देश को बुलंदियों पर पहुंचाने का सपना देखा उसके नितंब इसी देश की पुलिस हवालात में लाल कर देती है। यही इस फिल्म की असली कहानी है। नंबी नारायण का पुलिस हिरासत में छूटने के बाद अपने सम्मान के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना और हर अदालत में खुद को बेताग साबित करने का करिश्मा है फिल्म रॉकेट द नंबी इफेक्ट। मोदी सरकार ने इन वैज्ञानिकों को 2019 में पद्म भूषण दिया है, लेकिन उनकी हिम्मत, मेहनत और हौसले का असल इनाम है फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। दोस्तों आपको बता दें कि नंबी नारायण खुद इस फिल्म से दिन प्रतिदिन जुड़े रहे। उनकी कहानियां इतनी है कि इसे एक फिल्म में समेटने का करिश्मा भी सिर्फ आर माधवन ही कर सकते थे। ट्रेलर कमाल का है। माधवन की मेकिंग बेमिसाल है और उनके इस जज्बे को हमारी तरफ से सलाम है। फिल्म का बेसब्री से इंतजार रहेगा हमें। हालांकि कब फिल्म रिलीज हो रही है अभी इसे भी सस्पेंस रखा गया है। वेल दोस्तों देखा जाए तो ट्रेलर दो लैंग्वेज में रिलीज हुआ है, अभी इंग्लिश और तमिल। दोनों को पब्लिक से अच्छा खासा प्यार मिल रहा है। आप लोगों को कैसा लगा ट्रेलर नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। क्यों नहीं आई माधवन की पिछले 4 साल से एक भी फिल्म? माधवन को क्या डर है रॉकेटरी को लेकर? कहां हुआ था रॉकेटरी का प्रीमियर? सो हेलो टू माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दिस इज रिया और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूं एक ऐसी दिलचस्प खबर जो कि जुड़ी है बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के साथ। तो दोस्तों अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। एक्टर आर माधवन इन दिनों खूब सुर्खियों को बटोर रहे हैं क्योंकि उनकी फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट का 19 मई को 75वें कान फिल्म में फेस्टिवल में प्रीमियर हुआ। इस फिल्म को एक्टर ने ही लिखा, डायरेक्टर किया और प्रोड्यूस भी उन्होंने ही किया। आर माधवन को स्क्रीनिंग होने के बाद मौजूद लोगों ने 10 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया। फिल्म की जमकर तारीफ भी की। ये मूवी एक्टर के करियर का सबसे खास प्रोजेक्ट है। हालांकि अब ये लोगों को कितनी पसंद आएगी इस बात का डर एक्टर को सताए जा रहा है। एक इंटरव्यू में माधवन ने खुलासा किया था कि उन्होंने पिछले 4 सालों से एक पैसा नहीं कमाया है। इसके पीछे की वजह बताते हुए उन्होंने बताया है कि उन्हें अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर काफी डर लग रहा है, उसकी कमाई को लेकर चिंता सता रही है। उन्होंने बताया कि 2 साल कोरोना में और उसके पहले के 2 साल वो फिल्म को बनाने में वो व्यस्त रहे। इन 4 सालों में मतलब उन्होंने 1 रुपया भी नहीं कमाया। माधवन के मुताबिक वो चीजें जिन्होंने मुझे अब तक संभाले हुए हैं और जिंदा रखा है वो OTT है। इसके अलावा कोई फिल्म नहीं की है और मेरी पिछली फिल्म विक्रम वेदा भी, इसके अलावा मैंने डी कपल्ड वेब सीरीज में भी काम किया था। इस वजह से वो डर रहे हुए हैं कि ये फिल्म चल पाएगी या नहीं।
और इस इंटरव्यू में माधवन ने अपनी पत्नी सरिता को थैंक यू कहा है। उनका कहना है कि इस मुश्किल दौर में वो एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनी रही हैं उनके लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि माधवन ने इन 4 सालों में काम ही नहीं किया। पैसा ना कमाने का मतलब था कि उन्होंने काम तो किया लेकिन उन्हें वो रिजल्ट नहीं मिले जिसकी उम्मीद माधवन ने की थी। यही वजह है कि ये अपनी आने वाली फिल्म रॉकेट्री के लेकर डरे हुए हैं, क्योंकि अगर ये फिल्म भी लोगों को पसंद नहीं आई तो माधवन शायद ही कोई फिल्म बना पाए। फिल्म के बारे में बात करें तो रॉकेट्री में एक्टर आर माधव ने डॉक्टर नंबी नारायण का किरदार निभाया है और ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जो भारतीय वैज्ञानिक और एयरस्पोर्ट इंजीनियर नंबी नारायण के लाइफ पर बेस्ड है। इसे असल जिंदगी में जासूसी के झूठे केस में फंसाया गया था और इस फिल्म में शाहरुख खान कैमियो करते हुए दिखाई देंगे। हिंदी, तमिल और अंग्रेजी के अलावा ये तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में भी 1 जुलाई 2022 को रिलीज की जाएगी। आप इनकी इस बायोग्राफिकल फिल्म के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं हमें ये कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और नए कंटेंट के साथ। तब तक खुश रहें, सेफ रहें, बने रहिए मेरे साथ। रॉकेट्री के मोशन पोस्टर ने कैसे बढ़ाई फैंस की बेताबी? क्या फिल्म बनते बनते आर माधवन का अकाउंट बैलेंस हुआ खाली? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जाल। दोस्तों, रॉकेट्री द नाम्बी इफेक्ट का लोगों को बेसब्री से इंतजार हो रहा है। अब फाइनली इसका मोशन पोस्टर रिलीज हो चुका है। एक्टर आर माधवन ने खुद इसे ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। कैप्शन के बजाय उन्होंने हैशटैग का इस्तेमाल किया और लिखा रॉकेट्री फिल्म मोशन पोस्टर आउट। वहीं दोस्तों, आपको बता दें इस फिल्म का डायरेक्शन आर माधवन कर रहे हैं, साथ ही फिल्म में वैज्ञानिक नंबी नारायणम का किरदार प्ले कर रहे हैं। ये फिल्म इसरो के पूर्व वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर नंबी नारायणम के जीवन पर आधारित है। ये फिल्म 1 जुलाई को रिलीज होने वाली है और भारत की प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने भी इसकी जमकर तारीफें की और ट्वीट किया। वहीं दोस्तों, ऐसा पहली बार होगा जब आर माधवन किसी फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं। साथ ही आर माधवन ने फिल्म से जुड़ी काफ़ी चीज़ें बताई और बताया कि किस तरह से 4 साल से उन्होंने फिल्मों से कोई भी कमाई नहीं की है, उनका बैंक अकाउंट खाली हो चुका था, लेकिन इस फिल्म से उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। इस फिल्म के लिए वो बहुत ज़्यादा डरे हुए भी हैं कि लोगों को फिल्म पसंद आएगी या नहीं। आर माधवन के इस मोशन पोस्टर को लोगों ने जमकर वायरल कर दिया है, बहुत पसंद किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कान फिल्म फेस्टिवल 2022 में वर्ल्ड वाइड इसको प्रीमियर किया गया और साइंस फिक्शन फिल्मों को पसंद करने वाले लोगों ने दुनिया भर में इसकी तारीफें की। इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर 7 महीने तक काम किया आर माधवन ने। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया कि जब नारायणम ने बताया कि उन्होंने नासा फेलोशिप कर ली है तो 1969 में प्रतिष्ठित प्रिंसटन विश्वविद्यालय में भी उन्हें स्वीकार कर लिया गया था, इसीलिए 7 महीनों में दोबारा स्क्रिप्ट पर काम किया गया और माधवन ने पूरी मेहनत इस पर झोंक दी। आपको बता दें फिल्म की शूटिंग कई देशों में की गई है जिसमें भारत, जॉर्जिया, फ्रांस, कनाडा, सर्बिया और रूस जैसे देश शामिल हैं। फिलहाल मोशन पोस्टर लोगों को खूब पसंद आ रहा है और इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। इस फिल्म में आपको शाहरुख खान भी दिखेंगे एज अ कैमियो रोल करते हुए। तो दोस्तों, कितना इंतजार है इस फिल्म का नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। रॉकेट्री बॉक्स ऑफिस पर मचा पाएगी तहलका? आखिर आर माधवन ने 4 साल से क्यों नहीं की कमाई? क्या डरे हुए हैं आर माधवन? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जाल। दोस्तों, एक्टर आर माधवन इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनकी फिल्म आने वाली है रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट और इसे 19 मई को 75वें कान फेस्टिवल में भी प्रीमियर किया गया। इस फिल्म को एक्टर ने लिखा है, साथ में डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी किया है। स्क्रीनिंग होने के बाद मौजूद लोगों ने वहां 10 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन दिया।
फिल्म की जमकर तारीफें की गई। ये मूवी एक्टर के करियर का सबसे खास प्रोजेक्ट है। हालांकि अब ये लोगों को कितनी पसंद आएगी इस बात का डर उन्हें बहुत ज़्यादा सता रहा है। एक इंटरव्यू में एक्टर ने बहुत ज़्यादा खुलासा किया और कहा कि 4 साल से उन्होंने एक भी पैसा नहीं कमाया। इसके पीछे उन्होंने वजह भी बताई। माधवन का कहना है कि उन्हें अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर काफ़ी डर लग रहा है, उसकी कमाई को लेकर चिंता सता रही है। उन्होंने बताया कि 2 साल कोरोना में और उसके पहले 2 साल वो फिल्म को बनाने में बिजी रहे। इन 4 सालों में उन्होंने एक भी रुपया नहीं कमाया फिल्मों से। साथ ही माधवन ने कहा कि वो एक चीज़ है जिसकी वजह से वो जिंदा है, वो है OTT। इसके अलावा कोई फिल्म नहीं की और उनकी पिछली फिल्म थी विक्रम वेधा। इसके अलावा डी कबल्ड वेब सीरीज में वो नजर आए थे। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि ये फिल्म चल पाएगी या नहीं। ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जो भारतीय वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर नंबी नारायणम के जीवन पर आधारित है। इन्हें असल जिंदगी में जासूसी के झूठे केस में फंसा दिया गया था। इस फिल्म में शाहरुख खान केमियो करते हुए नजर आएंगे। हिंदी, तमिल, अंग्रेजी के अलावा इसे तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में भी रिलीज किया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा खास फिल्म है आर माधवन के लिए। अब देखना होगा बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई कर सकती है ये फिल्म। आपको इस बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को। दोस्तों लार्जर देन लाइफ के साथ इंटरनेट पर धूम मचाने के बाद आर माधवन की मोस्ट अवेटेड फिल्म रॉकेट विद द नंबी इफेक्ट फाइनली 1 अप्रैल 2022 को दुनिया भर के थिएटरिकल के लिए तैयार हो चुकी है। फिल्म को कई लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा और इसीलिए फिल्म को एक ही साथ कई लैंग्वेज में शूट भी किया गया था। फिल्म रॉकेटरी में आर माधवन नंबी नारायण के कैरेक्टर में दिखेंगे। ये माधवन के डायरेक्शन में पहली फिल्म है। सिर्फ यही नहीं बल्कि देखा जाए तो इस फिल्म को लिखा भी है आर माधवन ने। दोस्तों फिल्म की कहानी इंडियन साइंटिस्ट नंबी नारायण के जीवन पर बेस्ड है कि उन्होंने इंडिया के लिए क्या क्या किया था और उसके बजाय उन्हें क्या मिला था। दोस्तों फिल्म का ट्रेलर बहुत पहले ही रिलीज हो चुका था। आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी का ट्रेलर लोगों को बहुत पसंद आया था। ट्रेलर रिलीज के बाद से ही और शुरू से ही फिल्म काफ़ी विवादों में रही। फाइनली अब जाकर कहीं फिल्म की रिलीज डेट सामने आई है। रिपोर्ट्स की माने तो आर माधवन के साथ इस फिल्म में शाहरुख खान का एक कैमियो होगा। लंबे वक्त के बाद शाहरुख खान किसी फिल्म में नज़र आने वाले हैं। देखा जाए तो पठान से पहले शाहरुख खान रॉकेटरी में नज़र आएंगे। शाहरुख खान के फैंस के लिए ये एक बहुत बड़ी अपडेट और गुड न्यूज़ है कि वो अपने फेवरेट हीरो को फाइनली सिनेमा घरों में देख पाएंगे। फिल्म में शाहरुख खान एक न्यूज़ एंकर बने हैं, न्यूज़ रिपोर्टर बने हैं, जो कि आर माधवन का इंटरव्यू लेते दिखाई देंगे। दोस्तों ट्रेलर देखकर तो लगा कि फिल्म की कहानी काफ़ी मज़ेदार है और अब तो फाइनली फिल्म की रिलीज डेट आ गई है तो फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ जाएगी फिल्म को देखने के लिए। आप कितने एक्साइटमेंट है रॉकेटरी के लिए और आर माधवन की पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू के लिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज। बॉलीवुड एक्टर आर माधवन द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट का ट्रेलर आज रिलीज हो चुका है। फिल्म में बतौर एक्टर माधवन ने गजब की एक्टिंग की है। साथ ही फैंस को इस फिल्म में किंग खान शाहरुख खान भी देखने को मिले हैं, जिनकी एक झलक ट्रेलर में देखने को मिली है। दोस्तों आपको बता दें कि ये फिल्म नंबी नारायण की लाइफ पर बेस्ड है, जिसमें आर माधवन ने ही नंबी का रोल प्ले किया है। एक्टर ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी फिल्म के ट्रेलर के आने की खबर फैंस को दी। दोस्तों ट्रेलर की शुरुआत होती है शाहरुख खान के साथ, जो कि एक जर्नलिस्ट का कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। इस फिल्म को बनाने के लिए आर माधवन को 3 साल का समय लगा। दरअसल इस फिल्म के कई सीन्स को कई देशों में शूट किया गया, जैसे कि स्कॉटलैंड, फ्रांस और रूस। इस फिल्म को साल की सबसे बड़ी शाइनिंग इंडिया फिल्म मानी जा रही है। दर्शकों को इस फिल्म में माधवन और शाहरुख खान के अलावा सिमरन और रविंद्र राघवेंद्र लीड रोल में दिखाई दिए।
डायरेक्टर के तौर पर आर माधवन की ये पहली फिल्म होगी जिसे उन्होंने कोरोना संक्रमित होने के बाद भी क्वारंटाइन में रहते हुए फिल्म के ट्रेलर रिलीज की पूरी तैयारी की। बता दें कि इस फिल्म को 6 लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, तमिल, कन्नड़ और मलयालम। वहीं एक्टर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म अमेरिकी पंडित को लेकर बिजी चल रहे हैं। दोस्तों बात करें फिल्म की कहानी की और ट्रेलर की। दोस्तों फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट का ट्रेलर किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म के ट्रेलर की तरह शुरू होता है। अंतरिक्ष वैज्ञानिक नंबी नारायण की कहानी किसी जेम्स बॉन्ड की फिल्म से कम नहीं है। जब अमेरिका ने पूरी दुनिया की निगरानी के लिए अपने उपग्रह तैनात कर रखे थे तो नंबी नारायण अपने रॉकेट इंजन के पुर्जे रूस से पाकिस्तान के जरिए भारत ले आए थे। शीत युद्ध काल में भारत का कोई वैज्ञानिक ऐसा करने का दुस्साहस ही कर सकता था। फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट का ट्रेलर बताया गया है कि नंबी नारायण बनना दुस्साहस ही है। एक सामान्य सोच रखने वाला इंसान कुछ भी बन सकता है, लेकिन नंबी नारायण नहीं बन सकता। ये पागलों जैसा काम है, नासा की नौकरी छोड़ इसरो के जरिए देश की सेवा करना और अपना खुद का घर इस चक्कर में बर्बाद कर लेना। जिस वैज्ञानिक ने देश को बुलंदियों पर पहुंचाने का सपना देखा उसके नितंब इसी देश की पुलिस हवालात में लाल कर देती है। यही इस फिल्म की असली कहानी है। नंबी नारायण का पुलिस हिरासत में छूटने के बाद अपने सम्मान के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना और हर अदालत में खुद को बेदाग साबित करने का करिश्मा है फिल्म रॉकेट द नंबी इफेक्ट। मोदी सरकार ने इन वैज्ञानिकों को 2019 में पद्म भूषण दिया है, लेकिन उनकी हिम्मत, मेहनत और हौसले का असल इनाम है फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। दोस्तों आपको बता दें कि नंबी नारायण खुद इस फिल्म से दिन प्रतिदिन जुड़े रहे। उनकी कहानियां इतनी है कि इसे एक फिल्म में समेटने का करिश्मा भी सिर्फ आर माधवन ही कर सकते थे। ट्रेलर कमाल का है, माधवन की मेकिंग बेमिसाल है और उनके इस जज्बे को हमारी तरफ से सलाम है। फिल्म का बेसब्री से इंतजार रहेगा हमें। हालांकि कब फिल्म रिलीज हो रही है अभी इसे भी सस्पेंस रखा गया है। वेल दोस्तों देखा जाए तो ट्रेलर दो लैंग्वेज में रिलीज हुआ है, अभी इंग्लिश और तमिल। दोनों को पब्लिक से अच्छा खासा प्यार मिल रहा है। आप लोगों को कैसा लगा ट्रेलर, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। क्यों नहीं आई माधवन की पिछले 4 साल से एक भी फिल्म? माधवन को क्या डर है रॉकेटरी को लेकर? कहां हुआ था रॉकेटरी का प्रीमियर? सो हेलो टू माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दिस इज रिया और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूं एक ऐसी दिलचस्प खबर जो कि जुड़ी है बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के साथ। तो दोस्तों अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। एक्टर आर माधवन इन दिनों खूब सुर्खियों को बटोर रहे हैं क्योंकि उनकी फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट का 19 मई को 75वें कान फिल्म में फेस्टिवल में प्रीमियर हुआ। इस फिल्म को एक्टर ने ही लिखा, डायरेक्टर किया और प्रोड्यूस भी उन्होंने ही किया। आर माधवन को स्क्रीनिंग होने के बाद मौजूद लोगों ने 10 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया, फिल्म की जमकर तारीफ भी की। ये मूवी एक्टर के करियर का सबसे खास प्रोजेक्ट है। हालांकि अब ये लोगों को कितनी पसंद आएगी इस बात का डर एक्टर को सताए जा रहा है। एक इंटरव्यू में माधवन ने खुलासा किया था कि उन्होंने पिछले 4 सालों से एक पैसा नहीं कमाया है। इसके पीछे की वजह बताते हुए उन्होंने बताया है कि उन्हें अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर काफी डर लग रहा है, उसकी कमाई को लेकर चिंता सता रही है। उन्होंने बताया कि 2 साल कोरोना में और उसके पहले के 2 साल वो फिल्म को बनाने में वो व्यस्त रहे। इन 4 सालों में मतलब उन्होंने 1 रुपया भी नहीं कमाया। माधवन के मुताबिक वो चीजें जिन्होंने मुझे अब तक संभाले हुए हैं और जिंदा रखा है वो OTT है। इसके अलावा कोई फिल्म नहीं की है और मेरी पिछली फिल्म विक्रम वेदा भी, इसके अलावा मैंने डी कपल्ड वेब सीरीज में भी काम किया था। इस वजह से वो डर रहे हुए हैं कि ये फिल्म चल पाएगी या नहीं। और इस इंटरव्यू में माधवन ने अपनी पत्नी सरिता को थैंक यू कहा है। उनका कहना है कि इस मुश्किल दौर में वो एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनी रही हैं उनके लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि माधवन ने इन 4 सालों में काम ही नहीं किया।
पैसा ना कमाने का मतलब था कि उन्होंने काम तो किया लेकिन उन्हें वो रिजल्ट नहीं मिले जिसकी उम्मीद माधवन ने की थी। यही वजह है कि ये अपनी आने वाली फिल्म रॉकेट्री के लेकर डरे हुए हैं, क्योंकि अगर ये फिल्म भी लोगों को पसंद नहीं आई तो माधवन शायद ही कोई फिल्म बना पाए। फिल्म के बारे में बात करें तो रॉकेट्री में एक्टर आर माधव ने डॉक्टर नंबी नारायण का किरदार निभाया है और ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जो भारतीय वैज्ञानिक और एयरस्पोर्ट इंजीनियर नंबी नारायण के लाइफ पर बेस्ड है। इसे असल जिंदगी में जासूसी के झूठे केस में फंसाया गया था और इस फिल्म में शाहरुख खान कैमियो करते हुए दिखाई देंगे। हिंदी, तमिल और अंग्रेजी के अलावा ये तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में भी 1 जुलाई 2022 को रिलीज की जाएगी। आप इनकी इस बायोग्राफिकल फिल्म के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं हमें ये कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बॉलीवुड रैट स्टूडियोज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और नए कंटेंट के साथ। तब तक खुश रहें, सेफ रहें, बने रहिए मेरे साथ। रॉकेट्री के मोशन पोस्टर ने कैसे बढ़ाई फैंस की बेताबी? क्या फिल्म बनते बनते आर माधवन का अकाउंट बैलेंस हुआ खाली? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोरिका जयाल। दोस्तों, रॉकेट्री द नामबी इफेक्ट का लोगों को बेसब्री से इंतजार हो रहा है। अब फाइनली इसका मोशन पोस्टर रिलीज हो चुका है। एक्टर आर माधवन ने खुद इसे ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। कैप्शन की बजाय उन्होंने हैशटैग का इस्तेमाल किया और लिखा, रॉकेट्री फिल्म मोशन पोस्टर आउट। वहीं दोस्तों, आपको बता दें इस फिल्म का डायरेक्शन आर माधवन कर रहे हैं, साथ ही फिल्म में वैज्ञानिक नंबी नारायणम का किरदार प्ले कर रहे हैं। ये फिल्म इसरो के पूर्व वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर नंबी नारायणम के जीवन पर आधारित है। ये फिल्म 1 जुलाई को रिलीज होने वाली है और भारत की प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने भी इसकी जमकर तारीफें की और ट्वीट किया। वहीं दोस्तों, ऐसा पहली बार होगा जब आर माधवन किसी फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं। साथ ही आर माधवन ने फिल्म से जुड़ी काफ़ी चीज़ें बताई और बताया कि किस तरह से 4 साल से उन्होंने फिल्मों से कोई भी कमाई नहीं की है, उनका बैंक अकाउंट खाली हो चुका था, लेकिन इस फिल्म से उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। इस फिल्म के लिए वो बहुत ज़्यादा डरे हुए भी हैं कि लोगों को फिल्म पसंद आएगी या नहीं। आर माधवन के इस मोशन पोस्टर को लोगों ने जमकर वायरल कर दिया है, बहुत पसंद किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, कान फिल्म फेस्टिवल 2022 में वर्ल्ड वाइड इसको प्रीमियर किया गया और साइंस फिक्शन फिल्मों को पसंद करने वाले लोगों ने दुनिया भर में इसकी तारीफें की। इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर 7 महीने तक काम किया आर माधवन ने। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया कि जब नारायणम ने बताया कि उन्होंने नासा फेलोशिप कर ली है तो 1969 में प्रतिष्ठित प्रिंसटन विश्वविद्यालय में भी उन्हें स्वीकार कर लिया गया था, इसीलिए 7 महीनों में दोबारा स्क्रिप्ट पर काम किया गया और माधवन ने पूरी मेहनत इस पर झोंक दी। आपको बता दें, फिल्म की शूटिंग कई देशों में की गई है जिसमें भारत, जॉर्जिया, फ्रांस, कनाडा, सर्बिया और रूस जैसे देश शामिल हैं। फिलहाल मोशन पोस्टर लोगों को खूब पसंद आ रहा है और इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। इस फिल्म में आपको शाहरुख खान भी दिखेंगे एज अ कैमियो रोल करते हुए। तो दोस्तों, कितना इंतजार है इस फिल्म का, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को। रॉकेट्री बॉक्स ऑफिस पर मचा पाएगी तहलका? आखिर आर माधवन ने 4 साल से क्यों नहीं की कमाई? क्या डरे हुए हैं आर माधवन? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोरिका जयाल। दोस्तों, एक्टर आर माधवन इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनकी फिल्म आने वाली है रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट और इसे 19 मई को 75वें कान फेस्टिवल में भी प्रीमियर किया गया। इस फिल्म को एक्टर ने लिखा है, साथ में डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी किया है। स्क्रीनिंग होने के बाद मौजूद लोगों ने वहां 10 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन दिया। फिल्म की जमकर तारीफें की गई। ये मूवी एक्टर के करियर का सबसे खास प्रोजेक्ट है।
हालांकि अब ये लोगों को कितनी पसंद आएगी इस बात का डर उन्हें बहुत ज़्यादा सता रहा है। एक इंटरव्यू में एक्टर ने बहुत ज़्यादा खुलासा किया और कहा कि 4 साल से उन्होंने एक भी पैसा नहीं कमाया। इसके पीछे उन्होंने वजह भी बताई। माधवन का कहना है कि उन्हें अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर काफ़ी डर लग रहा है, उसकी कमाई को लेकर चिंता सता रही है। उन्होंने बताया कि 2 साल कोरोना में और उसके पहले 2 साल वो फिल्म को बनाने में बिजी रहे। इन 4 सालों में उन्होंने एक भी रुपया नहीं कमाया फिल्मों से। साथ ही माधवन ने कहा कि वो एक चीज़ है जिसकी वजह से वो जिंदा है, वो है OTT। इसके अलावा कोई फिल्म नहीं की और उनकी पिछली फिल्म थी विक्रम वेधा। इसके अलावा डी कबल्ड वेब सीरीज़ में वो नज़र आए थे। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि ये फिल्म चल पाएगी या नहीं। ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जो भारतीय वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर नंबी नारायणम के जीवन पर आधारित है। इन्हें असल जिंदगी में जासूसी के झूठे केस में फंसा दिया गया था। इस फिल्म में शाहरुख खान केमियो करते हुए नजर आएंगे। हिंदी, तमिल, अंग्रेजी के अलावा इसे तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में भी रिलीज किया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा खास फिल्म है आर माधवन के लिए। अब देखना होगा बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई कर सकती है ये फिल्म। आपको इस बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को। दोस्तों लार्जर देन लाइफ के साथ इंटरनेट पर धूम मचाने के बाद आर माधवन की मोस्ट अवेटेड फिल्म रॉकेट विद द नंबी इफेक्ट फाइनली 1 अप्रैल 2022 को दुनिया भर के थिएटिकल के लिए तैयार हो चुकी है। फिल्म को कई लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा और इसीलिए फिल्म को एक ही साथ कई लैंग्वेज में शूट भी किया गया था। फिल्म रॉकेटरी में आर माधवन नंबी नारायण के कैरेक्टर में दिखेंगे। ये माधवन के डायरेक्शन में पहली फिल्म है। सिर्फ यही नहीं बल्कि देखा जाए तो इस फिल्म को लिखा भी है आर माधवन ने। दोस्तों फिल्म की कहानी इंडियन साइंटिस्ट नंबी नारायण के जीवन पर बेस्ड है कि उन्होंने इंडिया के लिए क्या क्या किया था और उसके बजाय उन्हें क्या मिला था। दोस्तों फिल्म का ट्रेलर बहुत पहले ही रिलीज हो चुका था। आर माधवन की फिल्म रॉकेट का ट्रेलर लोगों को बहुत पसंद आया था। ट्रेलर रिलीज के बाद से ही और शुरू से ही फिल्म काफ़ी विवादों में रही। फाइनली अब जाकर कहीं फिल्म की रिलीज डेट सामने आई है। रिपोर्ट्स की माने तो आर माधवन के साथ इस फिल्म में शाहरुख खान का एक कैमियो होगा। लंबे वक्त के बाद शाहरुख खान किसी फिल्म में नज़र आने वाले हैं। देखा जाए तो पठान से पहले शाहरुख खान रॉकेट्री में नज़र आएंगे। शाहरुख खान के फैंस के लिए ये एक बहुत बड़ी अपडेट और गुड न्यूज़ है कि वो अपने फेवरेट हीरो को फाइनली सिनेमा घरों में देख पाएंगे। फिल्म में शाहरुख खान एक न्यूज़ एंकर बने हैं, न्यूज़ रिपोर्टर बने हैं, जो कि आर माधवन का इंटरव्यू लेते दिखाई देंगे। दोस्तों ट्रेलर देखकर तो लगा कि फिल्म की कहानी काफ़ी मज़ेदार है और अब तो फाइनली फिल्म की रिलीज डेट आ गई है तो फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ जाएगी फिल्म को देखने के लिए। आप कितने एक्साइटमेंट है रॉकेट्री के लिए और आर माधवन की पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू के लिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहे बॉलीग्राड स्टूडियोज। बॉलीवुड एक्टर आर माधवन द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट का ट्रेलर आज रिलीज हो चुका है। फिल्म में बतौर एक्टर माधवन ने गजब की एक्टिंग की है। साथ ही फैंस को इस फिल्म में किंग खान शाहरुख खान भी देखने को मिले हैं, जिनकी एक झलक ट्रेलर में देखने को मिली है। दोस्तों आपको बता दें कि ये फिल्म नंबी नारायण की लाइफ पर बेस्ड है, जिसमें आर माधवन ने ही नंबी का रोल प्ले किया है। एक्टर ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी फिल्म के ट्रेलर के आने की खबर फैंस को दी। दोस्तों ट्रेलर की शुरुआत होती है शाहरुख खान के साथ, जो कि एक जर्नलिस्ट का कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। इस फिल्म को बनाने के लिए आर माधवन को 3 साल का समय लगा। दरअसल इस फिल्म के कई सीन्स को कई देशों में शूट किया गया, जैसे कि स्कॉटलैंड, फ्रांस और रूस। इस फिल्म को साल की सबसे बड़ी शाइनिंग इंडिया फिल्म मानी जा रही है। दर्शकों को इस फिल्म में माधवन और शाहरुख खान के अलावा सिमरन और रविंद्र राघवेंद्र लीड रोल में दिखाई दिए। डायरेक्टर के तौर पर आर माधवन की ये पहली फिल्म होगी जिसे उन्होंने कोरोना संक्रमित होने के बाद भी क्वारंटाइन में रहते हुए
फिल्म के ट्रेलर रिलीज की पूरी तैयारी की। बता दें कि इस फिल्म को 6 लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, तमिल, कन्नड़ और मलयालम। वहीं एक्टर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म अमेरिकी पंडित को लेकर बिजी चल रहे हैं। दोस्तों बात करें फिल्म की कहानी की और ट्रेलर की। दोस्तों फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट का ट्रेलर किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म के ट्रेलर की तरह शुरू होता है। अंतरिक्ष वैज्ञानिक नंबी नारायण की कहानी किसी जेम्स बॉन्ड की फिल्म से कम नहीं है। जब अमेरिका ने पूरी दुनिया की निगरानी के लिए अपने उपग्रह तैनात कर रखे थे, तो नंबी नारायण अपने रॉकेट इंजन के पुर्जे रूस से पाकिस्तान के जरिए भारत ले आए थे। शीत युद्ध काल में भारत का कोई वैज्ञानिक ऐसा करने का दुस्साहस ही कर सकता था। फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट का ट्रेलर बताया गया है कि नंबी नारायण बनना दुस्साहस ही है। एक सामान्य सोच रखने वाला इंसान कुछ भी बन सकता है, लेकिन नंबी नारायण नहीं बन सकता। ये पागलों जैसा काम है। नासा की नौकरी छोड़ इसरो के जरिए देश की सेवा करना और अपना खुद का घर इस चक्कर में बर्बाद कर लेना। जिस वैज्ञानिक ने देश को बुलंदियों पर पहुंचाने का सपना देखा, उसके नितंब इसी देश की पुलिस हवालात में लाल कर देती है। यही इस फिल्म की असली कहानी है। नंबी नारायण का पुलिस हिरासत में छूटने के बाद अपने सम्मान के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना और हर अदालत में खुद को बेदाग साबित करने का करिश्मा है फिल्म रॉकेट द नंबी इफेक्ट। मोदी सरकार ने इन वैज्ञानिकों को 2019 में पद्म भूषण दिया है, लेकिन उनकी हिम्मत, मेहनत और हौसले का असल इनाम है फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। दोस्तों आपको बता दें कि नंबी नारायण खुद इस फिल्म से दिन प्रतिदिन जुड़े रहे हैं। उनकी कहानियां इतनी है कि इसे एक फिल्म में समेटने का करिश्मा भी सिर्फ आर माधवन ही कर सकते थे। ट्रेलर कमाल का है। माधवन की मेकिंग बेमिसाल है और उनके इस जज्बे को हमारी तरफ से सलाम है। फिल्म का बेसब्री से इंतजार रहेगा हमें। हालांकि कब फिल्म रिलीज हो रही है अभी इसे भी सस्पेंस रखा गया है। वेल दोस्तों देखा जाए तो ट्रेलर दो लैंग्वेज में रिलीज हुआ है, अभी इंग्लिश और तमिल। दोनों को पब्लिक से अच्छा खासा प्यार मिल रहा है। आप लोगों को कैसा लगा ट्रेलर, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। क्यों नहीं आई माधवन की पिछले 4 साल से एक भी फिल्म? माधवन को क्या डर है रॉकेटरी को लेकर? कहां हुआ था रॉकेटरी का प्रीमियर? सो हेलो टू माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दिस इज रिया और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूं एक ऐसी दिलचस्प खबर जो कि जुड़ी है बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के साथ। तो दोस्तों अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। एक्टर आर माधवन इन दिनों खूब सुर्खियों को बटोर रहे हैं क्योंकि उनकी फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट का 19 मई को 75th वे कान फिल्म में फेस्टिवल में प्रीमियर हुआ। इस फिल्म को एक्टर ने ही लिखा, डायरेक्टर किया और प्रोड्यूस भी उन्होंने ही किया। आर माधवन को स्क्रीनिंग होने के बाद मौजूद लोगों ने 10 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया, फिल्म की जमकर तारीफ भी की। ये मूवी एक्टर के करियर का सबसे खास प्रोजेक्ट है। हालांकि अब ये लोगों को कितनी पसंद आएगी इस बात का डर एक्टर को सताए जा रहा है। एक इंटरव्यू में माधवन ने खुलासा किया था कि उन्होंने पिछले 4 सालों से एक पैसा नहीं कमाया है। इसके पीछे की वजह बताते हुए उन्होंने बताया है कि उन्हें अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर काफी डर लग रहा है, उसकी कमाई को लेकर चिंता सता रही है। उन्होंने बताया कि 2 साल कोरोना में और उसके पहले के 2 साल वो फिल्म को बनाने में वो व्यस्त रहे। इन 4 सालों में मतलब उन्होंने 1 रुपया भी नहीं कमाया। माधवन के मुताबिक वो चीज़ें जिन्होंने मुझे अब तक संभाले हुए हैं और जिंदा रखा है वो OTT है। इसके अलावा कोई फिल्म नहीं की है और मेरी पिछली फिल्म विक्रम वेदा भी, इसके अलावा मैंने डीकपल्ड वेब सीरीज में भी काम किया था। इस वजह से वो डर रहे हुए हैं कि ये फिल्म चल पाएगी या नहीं। और इस इंटरव्यू में माधवन ने अपनी पत्नी सरिता को थैंक यू कहा है। उनका कहना है कि इस मुश्किल दौर में वो एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनी रही हैं उनके लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि माधवन ने इन 4 सालों में काम ही नहीं किया।
पैसा ना कमाने का मतलब था कि उन्होंने काम तो किया लेकिन उन्हें वो रिजल्ट नहीं मिले जिसकी उम्मीद माधवन ने की थी। यही वजह है कि ये अपनी आने वाली फिल्म रॉकेट्री के लेकर डरे हुए हैं, क्योंकि अगर ये फिल्म भी लोगों को पसंद नहीं आई तो माधवन शायद ही कोई फिल्म बना पाए। फिल्म के बारे में बात करें तो रॉकेट्री में एक्टर आर माधव ने डॉक्टर नंबी नारायण का किरदार निभाया है और ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जो भारतीय वैज्ञानिक और एयरस्पोर्ट इंजीनियर नंबी नारायण के लाइफ पर बेस्ड है। इसे असल जिंदगी में जासूसी के झूठे केस में फंसाया गया था और इस फिल्म में शाहरुख खान कैमियो करते हुए दिखाई देंगे। हिंदी, तमिल और अंग्रेजी के अलावा ये तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में भी 1 जुलाई 2022 को रिलीज की जाएगी। आप इनकी इस बायोग्राफिकल फिल्म के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं हमें ये कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और नए कंटेंट के साथ। तब तक खुश रहें, सेफ रहें, बने रहिए मेरे साथ। रॉकेट्री के मोशन पोस्टर ने कैसे बढ़ाई फैंस की बेताबी? क्या फिल्म बनते बनते आर माधवन का अकाउंट बैलेंस हुआ खाली? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोरिका जयाल। दोस्तों, रॉकेट्री द नाम भी इफेक्ट का लोगों को बेसब्री से इंतजार हो रहा है। अब फाइनली इसका मोशन पोस्टर रिलीज हो चुका है। एक्टर आर माधवन ने खुद इसे ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। कैप्शन की बजाय उन्होंने हैशटैग का इस्तेमाल किया और लिखा रॉकेट्री फिल्म मोशन पोस्टर आउट। वहीं दोस्तों, आपको बता दें इस फिल्म का डायरेक्शन आर माधवन कर रहे हैं, साथ ही फिल्म में वैज्ञानिक नंबी नारायणम का किरदार प्ले कर रहे हैं। ये फिल्म इसरो के पूर्व वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर नंबी नारायणम के जीवन पर आधारित है। ये फिल्म 1 जुलाई को रिलीज होने वाली है और भारत की प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने भी इसकी जमकर तारीफें की और ट्वीट किया। वहीं दोस्तों, ऐसा पहली बार होगा जब आर माधवन किसी फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं। साथ ही आर माधवन ने फिल्म से जुड़ी काफ़ी चीज़ें बताई और बताया कि किस तरह से 4 साल से उन्होंने फिल्मों से कोई भी कमाई नहीं की है, उनका बैंक अकाउंट खाली हो चुका था, लेकिन इस फिल्म से उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। इस फिल्म के लिए वो बहुत ज़्यादा डरे हुए भी हैं कि लोगों को फिल्म पसंद आएगी या नहीं। अब आर माधवन के इस मोशन पोस्टर को लोगों ने जमकर वायरल कर दिया है, बहुत पसंद किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, कान फिल्म फेस्टिवल 2022 में वर्ल्ड वाइड इसको प्रीमियर किया गया और साइंस फिक्शन फिल्मों को पसंद करने वाले लोगों ने दुनिया भर में इसकी तारीफें की। इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर 7 महीने तक काम किया आर माधवन ने। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया कि जब नारायणम ने बताया कि उन्होंने नासा फेलोशिप कर ली है तो 1969 में प्रतिष्ठित प्रिंसटन विश्वविद्यालय में भी उन्हें स्वीकार कर लिया गया था, इसीलिए 7 महीनों में दोबारा स्क्रिप्ट पर काम किया गया और माधवन ने पूरी मेहनत इस पर झोंक दी। आपको बता दें, फिल्म की शूटिंग कई देशों में की गई है जिसमें भारत, जॉर्जिया, फ्रांस, कनाडा, सर्बिया और रूस जैसे देश शामिल हैं। फिलहाल मोशन पोस्टर लोगों को खूब पसंद आ रहा है और इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। इस फिल्म में आपको शाहरुख खान भी दिखेंगे एज अ कैमियो रोल करते हुए। तो दोस्तों, कितना इंतजार है इस फिल्म का, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को। रॉकेट्री बॉक्स ऑफिस पर मचा पाएगी तहलका? आखिर आर माधवन ने 4 साल से क्यों नहीं की कमाई? क्या डरे हुए हैं आर माधवन? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। दोस्तों, एक्टर आर माधवन इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनकी फिल्म आने वाली है रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट और इसे 19 मई को 75वें कान फेस्टिवल में भी प्रीमियर किया गया। इस फिल्म को एक्टर ने लिखा है, साथ में डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी किया है। स्क्रीनिंग होने के बाद मौजूद लोगों ने वहां 10 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन दिया। फिल्म की जमकर तारीफें की गई। ये मूवी एक्टर के करियर का सबसे खास प्रोजेक्ट है। हालांकि अब ये लोगों को कितनी पसंद आएगी, इस बात का डर उन्हें बहुत ज्यादा सता रहा है।
एक इंटरव्यू में एक्टर ने बहुत ज्यादा खुलासा किया और कहा कि 4 साल से उन्होंने एक भी पैसा नहीं कमाया। इसके पीछे उन्होंने वजह भी बताई। माधवन का कहना है कि उन्हें अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर काफी डर लग रहा है, उसकी कमाई को लेकर चिंता सता रही है। उन्होंने बताया कि 2 साल कोरोना में और उसके पहले 2 साल वो फिल्म को बनाने में बिजी रहे। इन 4 सालों में उन्होंने एक भी रुपया नहीं कमाया फिल्मों से। साथ ही माधवन ने कहा कि वो एक चीज़ है जिसकी वजह से वो जिंदा है, वो है OTT। इसके अलावा कोई फिल्म नहीं की और उनकी पिछली फिल्म थी विक्रम वेधा। इसके अलावा डी कबल्ड वेब सीरीज में वो नजर आए थे। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि ये फिल्म चल पाएगी या नहीं। ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जो भारतीय वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर नंबी नारायणम के जीवन पर आधारित है। इन्हें असल जिंदगी में जासूसी के झूठे केस में फंसा दिया गया था। इस फिल्म में शाहरुख खान केमियो करते हुए नजर आएंगे। हिंदी, तमिल, अंग्रेजी के अलावा इसे तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में भी रिलीज किया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा ख़ास फिल्म है आर माधवन के लिए। अब देखना होगा बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई कर सकती है ये फिल्म। आपको इस बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज़ को। दोस्तों, लार्जर देन लाइफ के साथ इंटरनेट पर धूम मचाने के बाद आर माधवन की मोस्ट अवेटेड फिल्म रॉकेट विद नंबी इफेक्ट फाइनली 1 अप्रैल 2022 को दुनिया भर के थिएटरिकल के लिए तैयार हो चुकी है। फिल्म को कई लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा और इसीलिए फिल्म को एक ही साथ कई लैंग्वेज में शूट भी किया गया था। फिल्म रॉकेटरी में आर माधवन नंबी नारायण के कैरेक्टर में दिखेंगे। ये माधवन के डायरेक्शन में पहली फिल्म है। सिर्फ यही नहीं बल्कि देखा जाए तो इस फिल्म को लिखा भी है आर माधवन ने। दोस्तों, फिल्म की कहानी इंडियन साइंटिस्ट नंबी नारायण के जीवन पर बेस्ड है कि उन्होंने इंडिया के लिए क्या क्या किया था और उसके बजाय उन्हें क्या मिला था। दोस्तों, फिल्म का ट्रेलर बहुत पहले ही रिलीज हो चुका था। आर माधवन की फिल्म रॉकेट का ट्रेलर लोगों को बहुत पसंद आया था। ट्रेलर रिलीज के बाद से ही और शुरू से ही फिल्म काफ़ी विवादों में रही। फाइनली अब जाकर कहीं फिल्म की रिलीज डेट सामने आई है। रिपोर्ट्स की माने तो आर माधवन के साथ इस फिल्म में शाहरुख खान का एक कैमियो होगा। लंबे वक्त के बाद शाहरुख खान किसी फिल्म में नज़र आने वाले हैं। देखा जाए तो पठान से पहले शाहरुख खान रॉकेट्री में नज़र आएंगे। शाहरुख खान के फैंस के लिए ये एक बहुत बड़ी अपडेट और गुड न्यूज़ है कि वो अपने फेवरेट हीरो को फाइनली सिनेमा घरों में देख पाएंगे। फिल्म में शाहरुख खान एक न्यूज़ एंकर बने हैं, न्यूज़ रिपोर्टर बने हैं, जो कि आर माधवन का इंटरव्यू लेते दिखाई देंगे। दोस्तों, ट्रेलर देखकर तो लगा कि फिल्म की कहानी काफ़ी मज़ेदार है और अब तो फाइनली फिल्म की रिलीज डेट आ गई है तो फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ जाएगी फिल्म को देखने के लिए। आप कितने एक्साइटमेंट है रॉकेट्री के लिए और आर माधवन की पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू के लिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज। बॉलीवुड एक्टर आर माधवन द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट का ट्रेलर आज रिलीज हो चुका है। फिल्म में बतौर एक्टर माधवन ने गजब की एक्टिंग की है। साथ ही फैंस को इस फिल्म में किंग खान शाहरुख खान भी देखने को मिले हैं, जिनकी एक झलक ट्रेलर में देखने को मिली है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये फिल्म नंबी नारायण की लाइफ पर बेस्ड है, जिसमें आर माधवन ने ही नंबी का रोल प्ले किया है। एक्टर ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी फिल्म के ट्रेलर के आने की खबर फैंस को दी। दोस्तों, ट्रेलर की शुरुआत होती है शाहरुख खान के साथ, जो कि एक जर्नलिस्ट का कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। इस फिल्म को बनाने के लिए आर माधवन को 3 साल का समय लगा। दरअसल इस फिल्म के कई सीन्स को कई देशों में शूट किया गया, जैसे कि स्कॉटलैंड, फ्रांस और रूस। इस फिल्म को साल की सबसे बड़ी शाइनिंग इंडिया फिल्म मानी जा रही है। दर्शकों को इस फिल्म में माधवन और शाहरुख खान के अलावा सिमरन और रविंद्र राघवेंद्र लीड रोल में दिखाई दिए। डायरेक्टर के तौर पर आर माधवन की ये पहली फिल्म होगी जिसे उन्होंने कोरोना संक्रमित होने के बाद भी क्वारंटाइन में रहते हुए फिल्म के ट्रेलर रिलीज की पूरी तैयारी की। बता दें कि इस फिल्म को 6 लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा,
जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, तमिल, कन्नड़ और मलयालम। वहीं एक्टर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म अमेरिकी पंडित को लेकर बिजी चल रहे हैं। दोस्तों बात करें फिल्म की कहानी की और ट्रेलर की। दोस्तों फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट का ट्रेलर किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की ट्रेलर की तरह शुरू होता है। अंतरिक्ष वैज्ञानिक नंबी नारायण की कहानी किसी जेम्स बॉन्ड की फिल्म से कम नहीं है। जब अमेरिका ने पूरी दुनिया की निगरानी के लिए अपने उपग्रह तैनात कर रखे थे तो नंबी नारायण अपने रॉकेट इंजन के पुर्जे रूस से पाकिस्तान के जरिए भारत ले आए थे। शीत युद्ध काल में भारत का कोई वैज्ञानिक ऐसा करने का दुस्साहस ही कर सकता था। फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट का ट्रेलर बताया गया है कि नंबी नारायण बनना दुस्साहस ही है। एक सामान्य सोच रखने वाला इंसान कुछ भी बन सकता है, लेकिन नंबी नारायण नहीं बन सकता। ये पागलों जैसा काम है। नासा की नौकरी छोड़ इसरो के जरिए देश की सेवा करना और अपना खुद का घर इस चक्कर में बर्बाद कर लेना। जिस वैज्ञानिक ने देश को बुलंदियों पर पहुंचाने का सपना देखा उसके नितंब इसी देश की पुलिस हवालात में लाल कर देती है। यही इस फिल्म की असली कहानी है। नंबी नारायण का पुलिस हिरासत में छूटने के बाद अपने सम्मान के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना और हर अदालत में खुद को बेताग साबित करने का करिश्मा है फिल्म रॉकेट द नंबी इफेक्ट। मोदी सरकार ने इन वैज्ञानिकों को 2019 में पद्म भूषण दिया है, लेकिन उनकी हिम्मत, मेहनत और हौसले का असल इनाम है फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। दोस्तों आपको बता दें कि नंबी नारायण खुद इस फिल्म से दिन प्रतिदिन जुड़े रहे। उनकी कहानियां इतनी है कि इसे एक फिल्म में समेटने का करिश्मा भी सिर्फ आर माधवन ही कर सकते थे। ट्रेलर कमाल का है। माधवन की मेकिंग बेमिसाल है और उनके इस जज्बे को हमारी तरफ से सलाम है। फिल्म का बेसब्री से इंतजार रहेगा हमें। हालांकि कब फिल्म रिलीज हो रही है अभी इसे भी सस्पेंस रखा गया है। वेल दोस्तों देखा जाए तो ट्रेलर दो लैंग्वेज में रिलीज हुआ है, अभी इंग्लिश और तमिल। दोनों को पब्लिक से अच्छा खासा प्यार मिल रहा है। आप लोगों को कैसा लगा ट्रेलर नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। क्यों नहीं आई माधवन की पिछले 4 साल से एक भी फिल्म? माधवन को क्या डर है रॉकेटरी को लेकर? कहां हुआ था रॉकेटरी का प्रीमियर? सो हेलो टू माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दिस इज रिया और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूं एक ऐसी दिलचस्प खबर जो कि जुड़ी है बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के साथ। तो दोस्तों अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। एक्टर आर माधवन इन दिनों खूब सुर्खियों को बटोर रहे हैं क्योंकि उनकी फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट का 19 मई को 75वें कान फिल्म में फेस्टिवल में प्रीमियर हुआ। इस फिल्म को एक्टर ने ही लिखा, डायरेक्टर किया और प्रोड्यूस भी उन्होंने ही किया। आर माधवन को स्क्रीनिंग होने के बाद मौजूद लोगों ने 10 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया। फिल्म की जमकर तारीफ भी की। ये मूवी एक्टर के करियर का सबसे खास प्रोजेक्ट है। हालांकि अब ये लोगों को कितनी पसंद आएगी इस बात का डर एक्टर को सताया जा रहा है। एक इंटरव्यू में माधवन ने खुलासा किया था कि उन्होंने पिछले 4 सालों से एक पैसा नहीं कमाया है। इसके पीछे की वजह बताते हुए उन्होंने बताया है कि उन्हें अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर काफी डर लग रहा है, उसकी कमाई को लेकर चिंता सता रही है। उन्होंने बताया कि 2 साल कोरोना में और उसके पहले के 2 साल वो फिल्म को बनाने में वो व्यस्त रहे। इन 4 सालों में मतलब उन्होंने 1 रुपया भी नहीं कमाया। माधवन के मुताबिक वो चीजें जिन्होंने मुझे अब तक संभाले हुए हैं और जिंदा रखा है वो OTT है। इसके अलावा कोई फिल्म नहीं की है और मेरी पिछली फिल्म विक्रम वेदा भी, इसके अलावा मैंने डी कपल्ड वेब सीरीज में भी काम किया था। इस वजह से वो डर रहे हुए हैं कि ये फिल्म चल पाएगी या नहीं। और इस इंटरव्यू में माधवन ने अपनी पत्नी सरिता को थैंक यू कहा है। उनका कहना है कि इस मुश्किल दौर में वो एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनी रही हैं उनके लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि माधवन ने इन 4 सालों में काम ही नहीं किया।
पैसा ना कमाने का मतलब था कि उन्होंने काम तो किया लेकिन उन्हें वो रिजल्ट नहीं मिले जिसकी उम्मीद माधवन ने की थी। यही वजह है कि ये अपनी आने वाली फिल्म रॉकेट्री के लेकर डरे हुए हैं, क्योंकि अगर ये फिल्म भी लोगों को पसंद नहीं आई तो माधवन शायद ही कोई फिल्म बना पाए। फिल्म के बारे में बात करें तो रॉकेट्री में एक्टर आर माधव ने डॉक्टर नंबी नारायण का किरदार निभाया है और ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जो भारतीय वैज्ञानिक और एयरस्पोर्ट इंजीनियर नंबी नारायण के लाइफ पर बेस्ड है। इसे असल जिंदगी में जासूसी के झूठे केस में फंसाया गया था और इस फिल्म में शाहरुख खान कैमियो करते हुए दिखाई देंगे। हिंदी, तमिल और अंग्रेजी के अलावा ये तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में भी 1 जुलाई 2022 को रिलीज की जाएगी। आप इनकी इस बायोग्राफिकल फिल्म के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं हमें ये कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और नए कंटेंट के साथ। तब तक खुश रहें, सेफ रहें, बने रहिए मेरे साथ। रॉकेट्री के मोशन पोस्टर ने कैसे बढ़ाई फैंस की बेताबी? क्या फिल्म बनते बनते आर माधवन का अकाउंट बैलेंस हुआ खाली? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जाल। दोस्तों, रॉकेट्री द नाम भी इफेक्ट का लोगों को बेसब्री से इंतजार हो रहा है। अब फाइनली इसका मोशन पोस्टर रिलीज हो चुका है। एक्टर आर माधवन ने खुद इसे ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। कैप्शन की बजाय उन्होंने हैशटैग का इस्तेमाल किया और लिखा रॉकेट्री फिल्म मोशन पोस्टर आउट। वहीं दोस्तों, आपको बता दें इस फिल्म का डायरेक्शन आर माधवन कर रहे हैं, साथ ही फिल्म में वैज्ञानिक नंबी नारायणम का किरदार प्ले कर रहे हैं। ये फिल्म इसरो के पूर्व वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर नंबी नारायणम के जीवन पर आधारित है। ये फिल्म 1 जुलाई को रिलीज होने वाली है और भारत की प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने भी इसकी जमकर तारीफें की और ट्वीट किया। वहीं दोस्तों, ऐसा पहली बार होगा जब आर माधवन किसी फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं। साथ ही आर माधवन ने फिल्म से जुड़ी काफ़ी चीज़ें बताई और बताया कि किस तरह से 4 साल से उन्होंने फिल्मों से कोई भी कमाई नहीं की है, उनका बैंक अकाउंट खाली हो चुका था, लेकिन इस फिल्म से उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। इस फिल्म के लिए वो बहुत ज़्यादा डरे हुए भी हैं कि लोगों को फिल्म पसंद आएगी या नहीं। आर माधवन के इस मोशन पोस्टर को लोगों ने जमकर वायरल कर दिया है, बहुत पसंद किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कान फिल्म फेस्टिवल 2022 में वर्ल्ड वाइड इसको प्रीमियर किया गया और साइंस फिक्शन फिल्मों को पसंद करने वाले लोगों ने दुनिया भर में इसकी तारीफें की। इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर 7 महीने तक काम किया आर माधवन ने। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया कि जब नारायणम ने बताया कि उन्होंने नासा फेलोशिप कर ली है तो 1969 में प्रतिष्ठित प्रिंसटन विश्वविद्यालय में भी उन्हें स्वीकार कर लिया गया था, इसीलिए 7 महीनों में दोबारा स्क्रिप्ट पर काम किया गया और माधवन ने पूरी मेहनत इस पर झोंक दी। आपको बता दें फिल्म की शूटिंग कई देशों में की गई है जिसमें भारत, जॉर्जिया, फ्रांस, कनाडा, सर्बिया और रूस जैसे देश शामिल हैं। फिलहाल मोशन पोस्टर लोगों को खूब पसंद आ रहा है और इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। इस फिल्म में आपको शाहरुख खान भी दिखेंगे एज अ कैमियो रोल करते हुए। तो दोस्तों, कितना इंतजार है इस फिल्म का नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। रॉकेट्री बॉक्स ऑफिस पर मचा पाएगी तहलका? आखिर आर माधवन ने 4 साल से क्यों नहीं की कमाई? क्या डरे हुए हैं आर माधवन? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जाल। दोस्तों, एक्टर आर माधवन इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनकी फिल्म आने वाली है रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट और इसे 19 मई को 75वें कान फेस्टिवल में भी प्रीमियर किया गया। इस फिल्म को एक्टर ने लिखा है, साथ में डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी किया है। स्क्रीनिंग होने के बाद मौजूद लोगों ने वहां 10 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन दिया। फिल्म की जमकर तारीफें की गई। ये मूवी एक्टर के करियर का सबसे खास प्रोजेक्ट है। हालांकि अब ये लोगों को कितनी पसंद आएगी इस बात का डर उन्हें बहुत ज़्यादा सता रहा है।
एक इंटरव्यू में एक्टर ने बहुत ज्यादा खुलासा किया और कहा कि 4 साल से उन्होंने एक भी पैसा नहीं कमाया। इसके पीछे उन्होंने वजह भी बताई। माधवन का कहना है कि उन्हें अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर काफी डर लग रहा है, उसकी कमाई को लेकर चिंता सता रही है। उन्होंने बताया कि 2 साल कोरोना में और उसके पहले 2 साल वो फिल्म को बनाने में बिजी रहे। इन 4 सालों में उन्होंने एक भी रुपया नहीं कमाया फिल्मों से। साथ ही माधवन ने कहा कि वो एक चीज़ है जिसकी वजह से वो जिंदा है, वो है OTT। इसके अलावा कोई फिल्म नहीं की और उनकी पिछली फिल्म थी विक्रम वेधा। इसके अलावा डी कबल्ड वेब सीरीज में वो नजर आए थे। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि ये फिल्म चल पाएगी या नहीं। ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जो भारतीय वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर नंबी नारायणम के जीवन पर आधारित है। इन्हें असल जिंदगी में जासूसी के झूठे केस में फंसा दिया गया था। इस फिल्म में शाहरुख खान केमियो करते हुए नजर आएंगे। हिंदी, तमिल, अंग्रेजी के अलावा इसे तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में भी रिलीज किया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा खास फिल्म है आर माधवन के लिए। अब देखना होगा बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई कर सकती है ये फिल्म। आपको इस बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को। दोस्तों लार्जर देन लाइफ के साथ इंटरनेट पर धूम मचाने के बाद आर माधवन की मोस्ट अवेटेड फिल्म रॉकेट विद द नंबी इफेक्ट फाइनली 1 अप्रैल 2022 को दुनिया भर के थिएटरिकल के लिए तैयार हो चुकी है। फिल्म को कई लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा और इसीलिए फिल्म को एक ही साथ कई लैंग्वेज में शूट भी किया गया था। फिल्म रॉकेटरी में आर माधवन नंबी नारायण के कैरेक्टर में दिखेंगे। ये माधवन के डायरेक्शन में पहली फिल्म है। सिर्फ यही नहीं बल्कि देखा जाए तो इस फिल्म को लिखा भी है आर माधवन ने। दोस्तों फिल्म की कहानी इंडियन साइंटिस्ट नंबी नारायण के जीवन पर बेस्ड है कि उन्होंने इंडिया के लिए क्या क्या किया था और उसके बजाय उन्हें क्या मिला था। दोस्तों फिल्म का ट्रेलर बहुत पहले ही रिलीज हो चुका था। आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी का ट्रेलर लोगों को बहुत पसंद आया था। ट्रेलर रिलीज के बाद से ही और शुरू से ही फिल्म काफ़ी विवादों में रही। फाइनली अब जाकर कहीं फिल्म की रिलीज डेट सामने आई है। रिपोर्ट्स की माने तो आर माधवन के साथ इस फिल्म में शाहरुख खान का एक कैमियो होगा। लंबे वक्त के बाद शाहरुख खान किसी फिल्म में नजर आने वाले हैं। देखा जाए तो पठान से पहले शाहरुख खान रॉकेटरी में नजर आएंगे। शाहरुख खान के फैंस के लिए ये एक बहुत बड़ी अपडेट और गुड न्यूज है कि वो अपने फेवरेट हीरो को फाइनली सिनेमा घरों में देख पाएंगे। फिल्म में शाहरुख खान एक न्यूज एंकर बने हैं, न्यूज रिपोर्टर बने हैं, जो कि आर माधवन का इंटरव्यू लेते दिखाई देंगे। दोस्तों ट्रेलर देखकर तो लगा कि फिल्म की कहानी काफी मजेदार है और अब तो फाइनली फिल्म की रिलीज डेट आ गई है तो फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ जाएगी फिल्म को देखने के लिए। आप कितने एक्साइटमेंट है रॉकेटरी के लिए और आर माधवन की पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू के लिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज। बॉलीवुड एक्टर आर माधवन द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट का ट्रेलर आज रिलीज हो चुका है। फिल्म में बतौर एक्टर माधवन ने गजब की एक्टिंग की है। साथ ही फैंस को इस फिल्म में किंग खान शाहरुख खान भी देखने को मिले हैं, जिनकी एक झलक ट्रेलर में देखने को मिली है। दोस्तों आपको बता दें कि ये फिल्म नंबी नारायण की लाइफ पर बेस्ड है, जिसमें आर माधवन ने ही नंबी का रोल प्ले किया है। एक्टर ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी फिल्म के ट्रेलर के आने की खबर फैंस को दी। दोस्तों ट्रेलर की शुरुआत होती है शाहरुख खान के साथ, जो कि एक जर्नलिस्ट का कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। इस फिल्म को बनाने के लिए आर माधवन को 3 साल का समय लगा। दरअसल इस फिल्म के कई सीन्स को कई देशों में शूट किया गया, जैसे कि स्कॉटलैंड, फ्रांस और रूस। इस फिल्म को साल की सबसे बड़ी शाइनिंग इंडिया फिल्म मानी जा रही है। दर्शकों को इस फिल्म में माधवन और शाहरुख खान के अलावा सिमरन और रविंद्र राघवेंद्र लीड रोल में दिखाई दिए। डायरेक्टर के तौर पर आर माधवन की ये पहली फिल्म होगी जिसे उन्होंने कोरोना संक्रमित होने के बाद भी क्वारंटाइन में रहते हुए फिल्म के ट्रेलर रिलीज की पूरी तैयारी की। बता दें कि इस फिल्म को 6 लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा,
जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, तमिल, कन्नड़ और मलयालम। वहीं एक्टर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म अमेरिकी पंडित को लेकर बिजी चल रहे हैं। दोस्तों बात करें फिल्म की कहानी की और ट्रेलर की। दोस्तों फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट का ट्रेलर किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म के ट्रेलर की तरह शुरू होता है। अंतरिक्ष वैज्ञानिक नंबी नारायण की कहानी किसी जेम्स बॉन्ड की फिल्म से कम नहीं है। जब अमेरिका ने पूरी दुनिया की निगरानी के लिए अपने उपग्रह तैनात कर रखे थे तो नंबी नारायण अपने रॉकेट इंजन के पुर्जे रूस से पाकिस्तान के जरिए भारत ले आए थे। शीत युद्ध काल में भारत का कोई वैज्ञानिक ऐसा करने का दुस्साहस ही कर सकता था। फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट का ट्रेलर बताया गया है कि नंबी नारायण बनना दुस्साहस ही है। एक सामान्य सोच रखने वाला इंसान कुछ भी बन सकता है, लेकिन नंबी नारायण नहीं बन सकता। ये पागलों जैसा काम है, नासा की नौकरी छोड़ इसरो के जरिए देश की सेवा करना और अपना खुद का घर इस चक्कर में बर्बाद कर लेना। जिस वैज्ञानिक ने देश को बुलंदियों पर पहुंचाने का सपना देखा, उसके नितंब इसी देश की पुलिस हवालात में लाल कर देती है। यही इस फिल्म की असली कहानी है। नंबी नारायण का पुलिस हिरासत में छूटने के बाद अपने सम्मान के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना और हर अदालत में खुद को बेदाग साबित करने का करिश्मा है फिल्म रॉकेट द नंबी इफेक्ट। मोदी सरकार ने इन वैज्ञानिकों को 2019 में पद्म भूषण दिया है, लेकिन उनकी हिम्मत, मेहनत और हौसले का असल इनाम है फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। दोस्तों आपको बता दें कि नंबी नारायण खुद इस फिल्म से दिन प्रतिदिन जुड़े रहे। उनकी कहानियां इतनी है कि इसे एक फिल्म में समेटने का करिश्मा भी सिर्फ आर माधवन ही कर सकते थे। ट्रेलर कमाल का है, माधवन की मेकिंग बेमिसाल है और उनके इस जज्बे को हमारी तरफ से सलाम है। फिल्म का बेसब्री से इंतजार रहेगा हमें। हालांकि कब फिल्म रिलीज हो रही है अभी इसे भी सस्पेंस रखा गया है। वेल दोस्तों देखा जाए तो ट्रेलर दो लैंग्वेज में रिलीज हुआ है अभी, इंग्लिश और तमिल। दोनों को पब्लिक से अच्छा खासा प्यार मिल रहा है। आप लोगों को कैसा लगा ट्रेलर, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। क्यों नहीं आई माधवन की पिछले 4 साल से एक भी फिल्म? माधवन को क्या डर है रॉकेटरी को लेकर? कहां हुआ था रॉकेटरी का प्रीमियर? सो हेलो टू माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दिस इज रिया और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूं एक ऐसी दिलचस्प खबर जो कि जुड़ी है बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के साथ। तो दोस्तों अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। एक्टर आर माधवन इन दिनों खूब सुर्खियों को बटोर रहे हैं क्योंकि उनकी फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट का 19 मई को 75वें कान फिल्म में फेस्टिवल में प्रीमियर हुआ। इस फिल्म को एक्टर ने ही लिखा, डायरेक्टर किया और प्रोड्यूस भी उन्होंने ही किया। आर माधवन को स्क्रीनिंग होने के बाद मौजूद लोगों ने 10 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया, फिल्म की जमकर तारीफ भी की। ये मूवी एक्टर के करियर का सबसे खास प्रोजेक्ट है। हालांकि अब ये लोगों को कितनी पसंद आएगी इस बात का डर एक्टर को सताए जा रहा है। एक इंटरव्यू में माधवन ने खुलासा किया था कि उन्होंने पिछले 4 सालों से एक पैसा नहीं कमाया है। इसके पीछे की वजह बताते हुए उन्होंने बताया है कि उन्हें अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर काफी डर लग रहा है, उसकी कमाई को लेकर चिंता सता रही है। उन्होंने बताया कि 2 साल कोरोना में और उसके पहले के 2 साल वो फिल्म को बनाने में वो व्यस्त रहे। इन 4 सालों में मतलब उन्होंने 1 रुपया भी नहीं कमाया। माधवन के मुताबिक वो चीजें जिन्होंने मुझे अब तक संभाले हुए हैं और जिंदा रखा है वो OTT है। इसके अलावा कोई फिल्म नहीं की है और मेरी पिछली फिल्म विक्रम वेधा भी, इसके अलावा मैंने डी कपल्ड वेब सीरीज में भी काम किया था। इस वजह से वो डर रहे हुए हैं कि ये फिल्म चल पाएगी या नहीं। और इस इंटरव्यू में माधवन ने अपनी पत्नी सरिता को थैंक यू कहा है। उनका कहना है कि इस मुश्किल दौर में वो एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनी रही हैं उनके लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि माधवन ने इन 4 सालों में काम ही नहीं किया।
पैसा ना कमाने का मतलब था कि उन्होंने काम तो किया लेकिन उन्हें वो रिजल्ट नहीं मिले जिसकी उम्मीद माधवन ने की थी। यही वजह है कि ये अपनी आने वाली फिल्म रॉकेट्री के लेकर डरे हुए हैं, क्योंकि अगर ये फिल्म भी लोगों को पसंद नहीं आई तो माधवन शायद ही कोई फिल्म बना पाए। फिल्म के बारे में बात करें तो रॉकेट्री में एक्टर आर माधव ने डॉक्टर नंबी नारायण का किरदार निभाया है और ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जो भारतीय वैज्ञानिक और एयरस्पोर्ट इंजीनियर नंबी नारायण के लाइफ पर बेस्ड है। इसे असल जिंदगी में जासूसी के झूठे केस में फंसाया गया था और इस फिल्म में शाहरुख खान कैमियो करते हुए दिखाई देंगे। हिंदी, तमिल और अंग्रेजी के अलावा ये तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में भी 1 जुलाई 2022 को रिलीज की जाएगी। आप इनकी इस बायोग्राफिकल फिल्म के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं हमें ये कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बॉलीवुड रैट स्टूडियोज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और नए कंटेंट के साथ। तब तक खुश रहें, सेफ रहें, बने रहिए मेरे साथ। रॉकेट्री के मोशन पोस्टर ने कैसे बढ़ाई फैंस की बेताबी? क्या फिल्म बनते बनते आर माधवन का अकाउंट बैलेंस हुआ खाली? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोरिका जाल। दोस्तों, रॉकेट्री द नाम्बी इफेक्ट का लोगों को बेसब्री से इंतजार हो रहा है। अब फाइनली इसका मोशन पोस्टर रिलीज हो चुका है। एक्टर आर माधवन ने खुद इसे ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। कैप्शन की बजाय उन्होंने हैशटैग का इस्तेमाल किया और लिखा रॉकेट्री फिल्म मोशन पोस्टर आउट। वहीं दोस्तों, आपको बता दें इस फिल्म का डायरेक्शन आर माधवन कर रहे हैं, साथ ही फिल्म में वैज्ञानिक नंबी नारायणम का किरदार प्ले कर रहे हैं। ये फिल्म इसरो के पूर्व वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर नंबी नारायणम के जीवन पर आधारित है। ये फिल्म 1 जुलाई को रिलीज होने वाली है और भारत की प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने भी इसकी जमकर तारीफें की और ट्वीट किया। वहीं दोस्तों, ऐसा पहली बार होगा जब आर माधवन किसी फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं। साथ ही आर माधवन ने फिल्म से जुड़ी काफ़ी चीज़ें बताई और बताया कि किस तरह से 4 साल से उन्होंने फिल्मों से कोई भी कमाई नहीं की है, उनका बैंक अकाउंट खाली हो चुका था, लेकिन इस फिल्म से उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। इस फिल्म के लिए वो बहुत ज़्यादा डरे हुए भी हैं कि लोगों को फिल्म पसंद आएगी या नहीं। अब आर माधवन के इस मोशन पोस्टर को लोगों ने जमकर वायरल कर दिया है, बहुत पसंद किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कान फिल्म फेस्टिवल 2022 में वर्ल्ड वाइड इसको प्रीमियर किया गया और साइंस फिक्शन फिल्मों को पसंद करने वाले लोगों ने दुनिया भर में इसकी तारीफें की। इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर 7 महीने तक काम किया आर माधवन ने। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया कि जब नारायणम ने बताया कि उन्होंने नासा फेलोशिप कर ली है तो 1969 में प्रतिष्ठित प्रिंसटन विश्वविद्यालय में भी उन्हें स्वीकार कर लिया गया था, इसीलिए 7 महीनों में दोबारा स्क्रिप्ट पर काम किया गया और माधवन ने पूरी मेहनत इस पर झोंक दी। आपको बता दें फिल्म की शूटिंग कई देशों में की गई है जिसमें भारत, जॉर्जिया, फ्रांस, कनाडा, सर्बिया और रूस जैसे देश शामिल है। फिलहाल मोशन पोस्टर लोगों को खूब पसंद आ रहा है और इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। इस फिल्म में आपको शाहरुख खान भी दिखेंगे एज अ कैमियो रोल करते हुए। तो दोस्तों, कितना इंतजार है इस फिल्म का नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को। रॉकेट्री बॉक्स ऑफिस पर मचा पाएगी तहलका? आखिर आर माधवन ने 4 साल से क्यों नहीं की कमाई? क्या डरे हुए हैं आर माधवन? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जियाल। दोस्तों, एक्टर आर माधवन इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनकी फिल्म आने वाली है रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट और इसे 19 मई को 75वें कान फेस्टिवल में भी प्रीमियर किया गया। इस फिल्म को एक्टर ने लिखा है, साथ में डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी किया है। स्क्रीनिंग होने के बाद मौजूद लोगों ने वहां 10 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन दिया। फिल्म की जमकर तारीफें की गई। ये मूवी एक्टर के करियर का सबसे खास प्रोजेक्ट है। हालांकि अब ये लोगों को कितनी पसंद आएगी इस बात का डर उन्हें बहुत ज़्यादा सता रहा है।
एक इंटरव्यू में एक्टर ने बहुत ज्यादा खुलासा किया और कहा कि 4 साल से उन्होंने एक भी पैसा नहीं कमाया। इसके पीछे उन्होंने वजह भी बताई। माधवन का कहना है कि उन्हें अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर काफी डर लग रहा है, उसकी कमाई को लेकर चिंता सता रही है। उन्होंने बताया कि 2 साल कोरोना में और उसके पहले 2 साल वो फिल्म को बनाने में बिजी रहे। इन 4 सालों में उन्होंने एक भी रुपया नहीं कमाया फिल्मों से। साथ ही माधवन ने कहा कि वो एक चीज है जिसकी वजह से वो जिंदा है, वो है OTT। इसके अलावा कोई फिल्म नहीं की और उनकी पिछली फिल्म थी विक्रम वेधा। इसके अलावा डी कबल्ड वेब सीरीज में वो नजर आए थे। इस वजह से वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि ये फिल्म चल पाएगी या नहीं। ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जो भारतीय वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर नंबी नारायणम के जीवन पर आधारित है। इन्हें असल जिंदगी में जासूसी के झूठे केस में फंसा दिया गया था। इस फिल्म में शाहरुख खान केमियो करते हुए नजर आएंगे। हिंदी, तमिल, अंग्रेजी के अलावा इसे तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में भी रिलीज किया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा खास फिल्म है आर माधवन के लिए। अब देखना होगा बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई कर सकती है ये फिल्म। आपको इस बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को। दोस्तों लार्जर देन लाइफ के साथ इंटरनेट पर धूम मचाने के बाद आर माधवन की मोस्ट अवेटेड फिल्म रॉकेट विद द नंबी इफेक्ट फाइनली 1 अप्रैल 2022 को दुनिया भर के थिएटिकल के लिए तैयार हो चुकी है। फिल्म को कई लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा और इसीलिए फिल्म को एक ही साथ कई लैंग्वेज में शूट भी किया गया था। फिल्म रॉकेटरी में आर माधवन नंबी नारायण के कैरेक्टर में दिखेंगे। ये माधवन के डायरेक्शन में पहली फिल्म है। सिर्फ यही नहीं बल्कि देखा जाए तो इस फिल्म को लिखा भी है आर माधवन ने। दोस्तों फिल्म की कहानी इंडियन साइंटिस्ट नंबी नारायण के जीवन पर बेस्ड है कि उन्होंने इंडिया के लिए क्या क्या किया था और उसके बजाय उन्हें क्या मिला था। दोस्तों फिल्म का ट्रेलर बहुत पहले ही रिलीज हो चुका था। आर माधवन की फिल्म रॉकेट का ट्रेलर लोगों को बहुत पसंद आया था। ट्रेलर रिलीज के बाद से ही और शुरू से ही फिल्म काफी विवादों में रही। फाइनली अब जाकर कहीं फिल्म की रिलीज डेट सामने आई है। रिपोर्ट्स की माने तो आर माधवन के साथ इस फिल्म में शाहरुख खान का एक कैमियो होगा। लंबे वक्त के बाद शाहरुख खान किसी फिल्म में नजर आने वाले हैं। देखा जाए तो पठान से पहले शाहरुख खान रॉकेट्री में नजर आएंगे। शाहरुख खान के फैंस के लिए ये एक बहुत बड़ी अपडेट और गुड न्यूज है कि वो अपने फेवरेट हीरो को फाइनली सिनेमा घरों में देख पाएंगे। फिल्म में शाहरुख खान एक न्यूज एंकर बने हैं, न्यूज रिपोर्टर बने हैं, जो कि आर माधवन का इंटरव्यू लेते दिखाई देंगे। दोस्तों ट्रेलर देखकर तो लगा कि फिल्म की कहानी काफी मजेदार है और अब तो फाइनली फिल्म की रिलीज डेट आ गई है तो फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ जाएगी फिल्म को देखने के लिए। आप कितने एक्साइटमेंट है रॉकेट्री के लिए और आर माधवन की पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू के लिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहे बॉलीग्राड स्टूडियोज। बॉलीवुड एक्टर आर माधवन द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट का ट्रेलर आज रिलीज हो चुका है। फिल्म में बतौर एक्टर माधवन ने गजब की एक्टिंग की है। साथ ही फैंस को इस फिल्म में किंग खान शाहरुख खान भी देखने को मिले हैं, जिनकी एक झलक ट्रेलर में देखने को मिली है। दोस्तों आपको बता दें कि ये फिल्म नंबी नारायण की लाइफ पर बेस्ड है, जिसमें आर माधवन ने ही नंबी का रोल प्ले किया है। एक्टर ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी फिल्म के ट्रेलर के आने की खबर फैंस को दी। दोस्तों ट्रेलर की शुरुआत होती है शाहरुख खान के साथ, जो कि एक जर्नलिस्ट का कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। इस फिल्म को बनाने के लिए आर माधवन को 3 साल का समय लगा। दरअसल इस फिल्म के कई सीन्स को कई देशों में शूट किया गया, जैसे कि स्कॉटलैंड, फ्रांस और रूस। इस फिल्म को साल की सबसे बड़ी शाइनिंग इंडिया फिल्म मानी जा रही है। दर्शकों को इस फिल्म में माधवन और शाहरुख खान के अलावा सिमरन और रविंद्र राघवेंद्र लीड रोल में दिखाई दिए। डायरेक्टर के तौर पर आर माधवन की ये पहली फिल्म होगी जिसे उन्होंने कोरोना संक्रमित होने के बाद भी क्वारंटाइन में रहते हुए फिल्म के ट्रेलर रिलीज की पूरी तैयारी की। बता दें कि इस फिल्म को 6 लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा,
जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, तमिल, कन्नड़ और मलयालम। वहीं एक्टर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म अमेरिकी पंडित को लेकर बिजी चल रहे हैं। दोस्तों बात करें फिल्म की कहानी की और ट्रेलर की। दोस्तों फिल्म रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट का ट्रेलर किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म के ट्रेलर की तरह शुरू होता है। अंतरिक्ष वैज्ञानिक नंबी नारायण की कहानी किसी जेम्स बॉन्ड की फिल्म से कम नहीं है। जब अमेरिका ने पूरी दुनिया की निगरानी के लिए अपने उपग्रह तैनात कर रखे थे तो नंबी नारायण अपने रॉकेट इंजन के पुर्जे रूस से पाकिस्तान के जरिए भारत ले आए थे। शीत युद्ध काल में भारत का कोई वैज्ञानिक ऐसा करने का दुस्साहस ही कर सकता था। फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट का ट्रेलर बताया गया है कि नंबी नारायण बनना दुस्साहस ही है। एक सामान्य सोच रखने वाला इंसान कुछ भी बन सकता है लेकिन नंबी नारायण नहीं बन सकता। ये पागलों जैसा काम है। नासा की नौकरी छोड़ इसरो के जरिए देश की सेवा करना और अपना खुद का घर इस चक्कर में बर्बाद कर लेना। जिस वैज्ञानिक ने देश को बुलंदियों पर पहुंचाने का सपना देखा उसके नितंब इसी देश की पुलिस हवालात में लाल कर देती है। यही इस फिल्म की असली कहानी है। नंबी नारायण का पुलिस हिरासत में छूटने के बाद अपने सम्मान के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना और हर अदालत में खुद को बेदाग साबित करने का करिश्मा है फिल्म रॉकेट द नंबी इफेक्ट। मोदी सरकार ने इन वैज्ञानिकों को 2019 में पद्म भूषण दिया है लेकिन उनकी हिम्मत, मेहनत और हौसले का असल इनाम है फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। दोस्तों आपको बता दें कि नंबी नारायण खुद इस फिल्म से दिन प्रतिदिन जुड़े रहे हैं। उनकी कहानियां इतनी है कि इसे एक फिल्म में समेटने का करिश्मा भी सिर्फ आर माधवन ही कर सकते थे। ट्रेलर कमाल का है। माधवन की मेकिंग बेमिसाल है और उनके इस जज्बे को हमारी तरफ से सलाम है। फिल्म का बेसब्री से इंतजार रहेगा हमें। हालांकि कब फिल्म रिलीज हो रही है अभी इसे भी सस्पेंस रखा गया है। वेल दोस्तों देखा जाए तो ट्रेलर दो लैंग्वेज में रिलीज हुआ है, अभी इंग्लिश और तमिल। दोनों को पब्लिक से अच्छा खासा प्यार मिल रहा है। आप लोगों को कैसा लगा ट्रेलर नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। रॉकेट्री बॉक्स ऑफिस पर मचा पाएगी तहलका? आखिर आर माधवन ने 4 साल से क्यों नहीं की कमाई? क्या डरे हुए हैं आर माधवन? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जियाल। दोस्तों एक्टर आर माधवन इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनकी फिल्म आने वाली है रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट और इसे 19 मई को 75वें कान फेस्टिवल में भी प्रीमियर किया गया। इस फिल्म को एक्टर ने लिखा है, साथ में डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी किया है। स्क्रीनिंग होने के बाद मौजूद लोगों ने वहां 10 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन दिया। फिल्म की जमकर तारीफें की गई। ये मूवी एक्टर के करियर का सबसे खास प्रोजेक्ट है। हालांकि अब ये लोगों को कितनी पसंद आएगी इस बात का डर उन्हें बहुत ज्यादा सता रहा है। एक इंटरव्यू में एक्टर ने बहुत ज्यादा खुलासा किया और कहा कि 4 साल से उन्होंने एक भी पैसा नहीं कमाया। इसके पीछे उन्होंने वजह भी बताई। माधवन का कहना है कि उन्हें अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर काफी डर लग रहा है, उसकी कमाई को लेकर चिंता सता रही है। उन्होंने बताया कि 2 साल कोरोना में और उसके पहले 2 साल वो फिल्म को बनाने में बिजी रहे। इन 4 सालों में उन्होंने एक भी रुपया नहीं कमाया फिल्मों से। साथ ही माधवन ने कहा कि वो एक चीज है जिसकी वजह से वो जिंदा है, वो है OTT। इसके अलावा कोई फिल्म नहीं की और उनकी पिछली फिल्म थी विक्रम वेधा। इसके अलावा डी कबल्ड वेब सीरीज में वो नजर आए थे। इस वजह से वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि ये फिल्म चल पाएगी या नहीं। ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जो भारतीय वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर नंबी नारायणम के जीवन पर आधारित है। इन्हें असल जिंदगी में जासूसी के झूठे केस में फंसा दिया गया था। इस फिल्म में शाहरुख खान केमियो करते हुए नजर आएंगे। हिंदी, तमिल, अंग्रेजी के अलावा इसे तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में भी रिलीज किया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा खास फिल्म है आर माधवन के लिए। अब देखना होगा बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई कर सकती है ये फिल्म। आपको इस बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।
दोस्तों लार्जर देन लाइफ के साथ इंटरनेट पर धूम मचाने के बाद आर माधवन की मोस्ट अवेटेड फिल्म रॉकेट विद द नंबी इफेक्ट फाइनली 1 अप्रैल 2022 को दुनिया भर के थिएटरिकल के लिए तैयार हो चुकी है। फिल्म को कई लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा और इसीलिए फिल्म को एक ही साथ कई लैंग्वेज में शूट भी किया गया था। फिल्म रॉकेटरी में आर माधवन नंबी नारायण के कैरेक्टर में दिखेंगे। ये माधवन के डायरेक्शन में पहली फिल्म है। सिर्फ यही नहीं बल्कि देखा जाए तो इस फिल्म को लिखा भी है आर माधवन ने। दोस्तों फिल्म की कहानी इंडियन साइंटिस्ट नंबी नारायण के जीवन पर बेस्ड है कि उन्होंने इंडिया के लिए क्या क्या किया था और उसके बजाय उन्हें क्या मिला था। दोस्तों फिल्म का ट्रेलर बहुत पहले ही रिलीज हो चुका था। आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी का ट्रेलर लोगों को बहुत पसंद आया था। ट्रेलर रिलीज के बाद से ही और शुरू से ही फिल्म काफ़ी विवादों में रही। फाइनली अब जाकर कहीं फिल्म की रिलीज डेट सामने आई है। रिपोर्ट्स की माने तो आर माधवन के साथ इस फिल्म में शाहरुख खान का एक कैमियो होगा। लंबे वक्त के बाद शाहरुख खान किसी फिल्म में नजर आने वाले हैं। देखा जाए तो पठान से पहले शाहरुख खान रॉकेटरी में नजर आएंगे। शाहरुख खान के फैंस के लिए ये एक बहुत बड़ी अपडेट और गुड न्यूज है कि वो अपने फेवरेट हीरो को फाइनली सिनेमा घरों में देख पाएंगे। फिल्म में शाहरुख खान एक न्यूज एंकर बने हैं, न्यूज रिपोर्टर बने हैं, जो कि आर माधवन का इंटरव्यू लेते दिखाई देंगे। दोस्तों ट्रेलर देखकर तो लगा कि फिल्म की कहानी काफी मजेदार है और अब तो फाइनली फिल्म की रिलीज डेट आ गई है तो फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ जाएगी फिल्म को देखने के लिए। आप कितना एक्साइटमेंट है रॉकेटरी के लिए और आर माधवन की पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू के लिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।